Hello students, so welcome to today's session. आज के session में आप सभी लोगों का स्वागत है. So students, आज की class शुरू होगी with a very important topic, non-resident taxation. Non-resident taxation students, this is a topic that we are going to discuss in the today's class. पहले ही बता दूं, आज की जो डिस्कशन होगी, न्यू कोर्स एंड ओल्ड कोर्स दोनों के लिए ही है. ठीक है, न्यू कोर्स एंड ओल्ड कोर्स दोनों के लिए ही है. न्यू कोर्स के बच्चे जो हैं उनके लिए स्पेसिफिकली एक स्पेशल टॉपिक है, एडिशनल टॉपिक थियोरी का. वो मैं आपको स्पेसिफिकली अलग वीडियो के जरिए वो मैं आपको करवा दूंगा. एक अलग वीडियो दी जाएगी, उसमें मैं वो न्यू कोर्स के टॉपिक को आपको करवा दूंगा. तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स, आप सभी लोग आ चुके हैं, सो ऑल ऑफ यू आर देयर. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग. चालू करते हैं फिर नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन. आज नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन होगा प्राइमरीली, कल ट्रांसफर प्राइसिंग होगा, और कल ही मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को एक वो एक्स्ट्रा सेशन जो न्यू कोर्स के बच्चों के लिए है वो मैं करवा दूं. कल के ही दिन पे आपको वो एक्स्ट्रा सेशन जो होगा वो मैं करवा दूंगा, दैट इज फॉर द न्यू कोर्स स्टूडेंट्स. ठीक है ना? लेकिन आज दोनों के लिए ही, बोथ फॉर ओल्ड कोर्स एज वेल एज फॉर द न्यू कोर्स, दोनों के लिए ही वी आर गोइंग टू गेट इन टू दिस पर्टिकुलर थिंग. फाइन स्टूडेंट्स, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. रेडी हैं सब लोग? सो वी कैन स्टार्ट नाउ इन दिस रिगार्ड. अब स्टूडेंट्स, आपको एक चीज बता दूं, एनआर टैक्सेशन के कॉन्टेक्स्ट में ये ऐसा एक टॉपिक है. देखो, ओल्ड कोर्स के लिए तो, न्यू कोर्स के लिए तो पता ही है 30 मार्क्स का एक कवरेज है इंक्लूडिंग ट्रांसफर प्राइसिंग. लेकिन जहां तक न्यू कोर्स ओल्ड कोर्स के बच्चे हैं उनके लिए भी ट्रांसफर प्राइसिंग और नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन अप्रोक्सीमेटली 20 मार्क्स से 20 से 22 मार्क्स का ये एक स्टेक बना रहता है एवरी अटेम्प्ट, जिसमें देखते हैं कि ट्रांसफर प्राइसिंग का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन या केस स्टडी के रूप में वो कोई क्वेश्चन डालते हैं. एमसीक्यू में इसका अच्छा खासा कवरेज रहता है, और फिर बाद में अलग से इन नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन एज वेल दे विल पुट अक्रॉस द प्रैक्टिकल क्वेश्चन. तो मिला के अगर आप सब चीज का अगर देखेंगे तो एक अच्छा खासा अप्रोक्सीमेटली कितना कवरेज बन जाता है ओल्ड कोर्स बच्चों के लिए, 20 से 22 या 23 नंबर का आराम से. और न्यू कोर्स के लिए तो पता ही आप लोगों को 30 नंबर का ये एक पूरा का पूरा एक एक 30 मार्क्स का एक पूरा स्टेक बन जाएगा. तो स्टूडेंट्स, नाउ देयरफॉर लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर थिंग. अच्छा, इसमें ये भी ध्यान रखें कि कोई ऐसा नहीं है कि इसमें ये पर्टिकुलर एरिया इंपॉर्टेंट है, ये पर्टिकुलर एरिया लेस इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है. सारे एरियाज इसके इंपॉर्टेंट है. ये इसकी सबसे बेस्ट पार्ट है कि एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट सो फार एज दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज कंसर्न. तो इसको थोड़ा सा केयरफुली और अच्छे से हमें करना है स्टूडेंट्स इस एनआर टैक्सेशन में. तो मैं पहले एक इसका चेकलिस्ट आपको बताता हूं कि ये एनआर टैक्सेशन में क्या होगा, और फिर उसके बाद ट्रांसफर प्राइसिंग के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे. तो आज के सेशन के दिन पे, अच्छा कल स्टूडेंट्स, कल का जो सेशन होगा हम लोग ज्यादा उसको लेंगे, ज्यादा आपका नंबर ऑफ आवर्स होगा कल के दिन. सो टुमारो वी विल हैव अ लार्जर नंबर ऑफ आवर्स, थोड़ा बढ़ जाएगा कल के दिन पे. आज जो प्राइमरी देखेंगे स्टूडेंट्स एनआर टैक्सेशन में, इन द नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन, देखिएगा आप कवरेज देखो क्या है यहाँ पे. पहले तो इसी कॉन्टेक्स्ट में आपका रेसिडेंशियल स्टेटस है, इस पे भी क्वेश्चन आता है, आपको तो पता ही है. सो दे डू आस्क द क्वेश्चन ऑन रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन. उसके बाद आपको जो सेकेंड पर्टिकुलर पॉइंट है आफ्टर रेसिडेंशियल स्टेटस, पता ही है क्या. इनके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसके बाद होगा द इनकम डीम टू अक्रू राइज इन इंडिया. तो सेक्शन 9, इनकम डीम टू अक्रू इन इंडिया.
जो कि आपका है सेक्शन 9। फिर इसके बाद आपके पास स्टूडेंट सेक्शन 9, ये भी काफी क्रिटिकल है आपके एग्जामिनेशन के कॉन्टेक्स्ट में। देयर आफ्टर, आफ्टर सेक्शन 9 इज थ्रू, इसके बाद यहाँ पे आपको, अच्छा यहाँ पे स्टूडेंट सेक्शन 9 जब करेंगे आप, तो उसी के साथ साथ आपको सेक्शन 195 भी खींच लेना है। सेक्शन 195 को भी आपको कंसिडर इसी टाइम पे कर देना है, ये चीज आप ध्यान रखें। साथ साथ में कोई स्पेशल रेट ऑफ टैक्स भी इसी टाइम पे कर लेना चाहिए। सो अलॉन्ग विद दिस यू शुड ऑल्सो टेक इन टू अकाउंट प्राइमरी एनी स्पेशल रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल टू नॉन रेसिडेंट, एप्लीकेबल टू नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट। ये एनआरआई नहीं मैं करवा रहा हूं, अभी नॉन रेसिडेंट पे फोकस कर रहा हूं, एनआरआई एंड पे रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद आप सभी लोगों को कर लेना चाहिए इस कॉन्टेक्स्ट में आपका सेक्शन 90 और 91, द डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने की क्या सिचुएशन दिया गया। तो 90 और 91 दीज आर द टू पर्टिकुलर एरिया ये पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में। फिर इसके बाद बेसिक प्रिंसिपल ऑफ DTAA, अब ये ओल्ड कोर्स वाले बच्चे उनके लिए भी है, ध्यान रखना। आप लोग ये कहां से आ गया DTAA, आप लोग को याद होगा स्टूडेंट्स परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का आपको डेफिनेशन पूछा जाता है। आर्टिकल 4 टाई ब्रेक रूल भी ओल्ड कोर्स में, तो उन्होंने क्या किया ट्रीटी का, उन्होंने पैरा दे दे के उन्होंने क्या किया है ओल्ड कोर्स में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे हुए हैं ट्रीटी का पैराग्राफ दे दे के, जो कि वहां पे आर्टिकल 4 कभी दिया गया था, द टाई ब्रेक रूल जब होता है तो फिर क्या होगा और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी क्लॉज। तो आपने ओल्ड कोर्स में मैंने देखा है कि ट्रीटी पे उन्होंने क्वेश्चन डाला है, तो इस वजह से बेसिक प्रिंसिपल ऑफ DTAA ये ध्यान रखना ओल्ड के लिए भी करना है। तो ये ओल्ड एंड न्यू दोनों, न्यू का जो एक्स्ट्रा होगा मैंने क्या कहा वो मैं अलग से एक सेशन में करवाऊंगा, ये अभी जो सेशन चल रहा है ये ओल्ड एंड न्यू दोनों के लिए चल रहा है। तो अभी से मैं आपको बता दे रहा हूं ये ओल्ड और न्यू प्राइमरी ये दोनों के लिए हो रहा है। निहाल नहीं, मैंने कल बताया था 10:30 का था, कल की सेशन 8 o'clock की हम लोग रख रहे हैं, कल का सेशन, ठीक है। तो यहां पे ये होगा और फिर इसके बाद तुरंत इक्वलाइजेशन लेवी, इक्वलाइजेशन लेवी ये हमारा आज का टारगेट है कंप्लीट करना यहां तक। फिर प्राइमरी एनआर का टैक्सेशन में कल ही एनआरआई टैक्सेशन नॉन रेसिडेंट इंडियन टैक्सेशन, और फिर टैक्सेशन ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर FII, और फिर ADR एंड GDR, ये दो पर्टिकुलर एरिया हम लोग कल कर लेंगे, ठीक है। NRI टैक्सेशन, ये NRI ध्यान रखना, ये NRI वर्सेस NR ये अलग चीज है, बहुत कैजुअली आप लोग लिख लेते हो एग्जामिनेशन में NRI, NR को NRI बोल देते हो, गलत हो जाता है स्टूडेंट्स। NRI एक अलग कंसेप्ट है, दोनों में कॉमन फीचर बस यही है कि दोनों नॉन रेसिडेंट है, बट एनआरआई लिखना नहीं फॉर नॉन रेसिडेंट, ये एनआरआई के लिए स्पेशल प्रोविजन है, नॉन रेसिडेंट इंडियन के लिए स्पेशल प्रोविजन है। जसप्रीत जी वो आपका रेसिडेंशियल स्टेटस में ही आ जाएगा, पोएम का कंसेप्ट, पोएम कंसेप्ट विल कम्स इन द रेसिडेंशियल स्टेटस, तो ये आपका नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन है। तो स्टूडेंट आज हमें इक्वलाइजेशन लेवी तक इसको रैप अप करना है, ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं एनआरआई टैक्सेशन, और ये आपको कल मैं करवा दूंगा अलॉन्ग विद द ट्रांसफर प्राइसिंग पर्टिकुलर प्रोविजन। सो दिस इज प्रिसाइसली व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, लेट्स स्टार्ट विद दिस। हो सब लोग रेडी? ठीक है, लगता है आप सभी लोग आ चुके हैं, तो वी कैन नाउ स्टार्ट विद दिस। फाइन स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स अब चालू करते हैं। फिर पहले आते हैं रेसिडेंशियल टैक्सेशन के कॉन्टेक्स्ट में, लेट्स स्टार्ट विद दिस। रेसिडेंशियल टैक्सेशन में आइए स्टूडेंट्स, रेसिडेंशियल टैक्सेशन में, रेसिडेंशियल स्टेटस में आपको पता ही होगा कि जहां पे स्कोप ऑफ सेक्शन 5 जो है, पहला यहां पे ध्यान रखना, जो सेक्शन 5 है ये आपका क्या है, द स्कोप ऑफ टोटल इनकम विच इज चार्जेबल अंडर द एक्ट, द स्कोप ऑफ द टोटल इनकम विच इज चार्जेबल अंडर द एक्ट, ठीक है। तो द स्कोप ऑफ टोटल इनकम चार्जेबल अंडर द एक्ट, अब इस कॉन्टेक्स्ट में, इस कॉन्टेक्स्ट में ये स्कोप आपको पता ही है, इट इज बेस्ड ऑन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द पर्सन,
It is based on what, students? The residential status of a person, the scope of the total income which is chargeable to tax under the act. ये आप सभी को पता है. It is based on the residential status of a person. Resident and non-resident, ये दो category है. Whereas in the case of non-resident, ये भी आपको पता है. Only the two categories of the income is chargeable to tax under the act, and that is income which is accrued or arise in India or deemed to have accrued or arise in India. अक्रूड या डीम्ड अक्रू, या फिर क्या बताइए नॉन रेसिडेंट के लिए. दूसरा क्या है? रिसीव्ड और डीम्ड टू हैव रिसीव्ड, और डीम्ड टू हैव रिसीव्ड, और डीम्ड टू हैव रिसीव्ड. यही नोट से जो मैं आपको आज लिखवा रहा हूं, प्राइमरीली यही नोट से जो मैं आपको लिखवा रहा हूं, क्योंकि लिखते लिखते आपको ये पकड़ना है. आप अगर हो सके तो अगर आपको लिखना है मेरे साथ आज की क्लास में, आप प्लीज लिख सकते हैं, ताकि ये चीज सिर्फ सुनने तक नहीं रखना है. ये चीज बहुत एक क्रिटिकल होगा, क्योंकि बहुत लोगों का ये एरिया थोड़ा सा कमजोर है. तो लिखते लिखते सीखेंगे, सीखते सीखते लिखेंगे, ये आज का नारा है आज के सेशन का. तो नॉन रेसिडेंट के कॉन्टेस्ट में स्टूडेंट्स नोटिस करना, स्कोप ऑफ द टोटल इनकम सेक्शन 5, इसमें क्या मैंने आपको बता दिया कि रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट के बेसिस पे स्कोप निर्धारित की जाती है कि कितना टुकड़ा इनकम का इस एक्ट के अंदर चार्ज होगा. Whereas, अगर आपका स्टेटस नॉन रेसिडेंट अगर आपका निकल गया, तो ऐसे हालात पे दो ही कैटेगरी के इनकम को इस एक्ट में चार्ज किया जा सकता है, और वो दो कैटेगरी है आपकी अक्रूड और डीम्ड टू हैव अक्रूड अराइज इन इंडिया, और दूसरा क्या है? रिसीव्ड और डीम्ड टू हैव रिसीव्ड इन इंडिया. ठीक है. अच्छा स्टूडेंट्स, जहां तक रिसीव्ड की अगर हम बात करें, तो कुछ है सेक्शन 7 के अंदर, लाइक प्रोविडेंट फंड की कॉन्ट्रीब्यूशन, ये इस तरीके से ये एम्प्लॉयर की तरफ से पीएफ की कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 12% या इंटरेस्ट ऑन दैट प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 9.5%, इसको सेक्शन 7 के जरिए बोला गया है इट इज डीम्ड टू हैव बीन रिसीव्ड इन इंडिया. ये सेक्शन 7(7) के अंदर बोला गया डीम्ड टू हैव बीन रिसीव्ड इन इंडिया. आप उसमें जाना नहीं अभी फिलहाल, उसको हम लोग देखेंगे नहीं अभी. हम लोग फिलहाल फोकस करेंगे ऑन द रेसिडेंशियल स्टेटस. ये हमारा पहला पॉइंट है, हमें पहले फोकस करना है रेसिडेंशियल स्टेटस पे. रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए बताइए सेक्शन हमें किसको हिट करना पड़ेगा, एंड दैट सेक्शन इज सेक्शन नंबर 6. सेक्शन नंबर 6 है जिसको हमें फोकस करना स्टूडेंट्स. वैसे अब आप सुनने का काम करें, ये चीज आपको पता है स्टूडेंट्स, इजंट इट? सेक्शन 6 ये आपको आइडिया है. चलिए पहले इंडिविजुअल की बात कर लेते हैं. आप ध्यान से सुनना, एक रिविजन आपका हो जाएगा. जहां जहां जो जो क्रिटिकल पॉइंट है वो हम लोग लिखते जाएंगे, लेकिन मोस्टली तो आपको आइडिया है. प्लीज नोट करना स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल के लिए. इंडिविजुअल भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईसीआई इंडिविजुअल पे भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछ चुका है एट फाइनल लेवल. इंडिविजुअल को अगर रेसिडेंट, ये तभी माना जाएगा अगर दो बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक बेसिक कंडीशन को वो सेटिस्फाई करता है. तो अगर दोनों में से कोई भी एक बेसिक कंडीशन अगर वो इंडिविजुअल सेटिस्फाई करता है, तो ऐसे केस में वो इंडिविजुअल बन जाएगा क्या? द रेसिडेंट इन इंडिया. रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है. अच्छा, रेसिडेंट के अलावा फिर हमें आगे देखना है वेदर दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल, अगर वो रेसिडेंट होता है दोनों में से कोई भी एक बेसिक कंडीशन, तो फिर हम आगे देखेंगे कि क्या वो उसे रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट माना जा सकता है, या रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट माना जाएगा अगर वो रेसिडेंट होता है. तो ये इंडिविजुअल के लिए आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप देखना पड़ेगा. तो सबसे पहले तो ये आता है, हाउ डज एन इंडिविजुअल विल बिकम अ रेसिडेंट, सबसे फर्स्ट पॉइंट वही है. तो आइए देखते हैं, दो बेसिक कंडीशन है जिसमें से दोनों में से कोई भी एक बेसिक कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई करे तो बन जाएगा वो रेसिडेंट. तो पहला क्या है, उसका स्टे जो है इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर कितना होना चाहिए? 182 डेज और अबव, 182 दिन मोर और अबव. अगर उसका स्टे है इन इंडिया, तो ऐसे केस में उस प्रीवियस ईयर के लिए वो माना जाएगा द रेसिडेंट. दूसरा जो बेसिक टेस्ट है, बताइए दूसरा बेसिक टेस्ट क्या है? दूसरा बेसिक टेस्ट क्या होगा, जल्दी बताओ. दूसरा बेसिक टेस्ट 60 डेज इन द प्रीवियस ईयर, बिल्कुल सही, एंड इन द लास्ट 4 इयर्स आपका 365 डेज होना चाहिए. दैट इज द सेकंड बेसिक टेस्ट, 60 डेज करंट प्रीवियस ईयर में, और पिछले पर्टिकुलर लास्ट 4 सालों में 365 दिन का क्या होना चाहिए इन एग्रीगेट आपका स्टे होना चाहिए दोनों में से कोई भी एक. अच्छा, अब इन दोनों में से एक चीज, एक इसका एक्सेप्शन पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स. थोड़ा मैं आपको एक्सेप्शन, चलो ठीक है, एक्सेप्शन के पहले आगे बढ़ लेते हैं, पहले कंप्लीट करते हैं, फिर एक्सेप्शन में आता हूं. उसके बाद एडिशनल कंडीशन,
एडिशनल कंडीशन क्या है, मैंने बताया था कि अगर आपको रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनना है तो आपको दोनों ही एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, दोनों ही एडिशनल कंडीशन आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। और अगर आप आर एन एन ओ आर बनना चाहोगे तो दोनों में से कोई भी एक या दोनों में से कोई भी नहीं एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई होता है, तो ऐसे केस में आप रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट माने जाएंगे। तो वो एडिशनल कंडीशन क्या है, तो उसका सबसे पॉइंट नंबर वन क्या है कि लास्ट टेन प्रीवियस ईयर में से कोई भी दो प्रीवियस ईयर में वो उसका क्या होना जरूरी है, रेसिडेंट। फॉर द लास्ट टेन प्रीवियस ईयर ही शुड बी रेसिडेंट फॉर एटलीस्ट टू प्रीवियस ईयर। उसी के साथ साथ जो सेकेंड बेसिक कंडीशन वो है कि मोर देन 729 डेज का उसका स्टे होना चाहिए इन द लास्ट सेवन प्रीवियस ईयर। मोर देन 729 डेज का उसका स्टे होना चाहिए इन लास्ट सेवन प्रीवियस ईयर। अगर ये दोनों एडिशनल कंडीशन को अगर वो सेटिस्फाई करता है तो इंडीड वी विल से दैट दिस रेसिडेंट इज ऑल्सो ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। और एक बात ध्यान रख, अच्छा जैसे बताया गया कि दोनों में से कोई भी एक कंडीशन को ही अगर वो सेटिस्फाई करता है या कोई भी एडिशनल कंडीशन को वो सेटिस्फाई नहीं करता है तो उस केस में उसका स्टेटस हो जाएगा आर एन एन ओ आर। आप बोलोगे क्या फर्क है आर एन ओ आर में और आर एन एन ओ आर में, तो फर्क कुछ नहीं है। जहां तक स्कोप है ऑफ द टोटल इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द एक्ट, वो आर एन एन ओ आर के लिए थोड़ा सा डायल्यूट हो जाता है। मतलब एक ऐसा हिस्सा ऑफ द इनकम ऑफ आर एन एन ओ आर जिसका सोर्स इंडिया के बाहर है और वो आपने रिसीव भी इंडिया के बाहर ही किया है, वो इनकम को आप इंडिया में आर एन एन ओ आर के लिए टैक्स नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे बताता हूं कि मैं एक आर एन एन ओ आर हूं, आर एंड एन ओ आर, और मेरा एक इन्वेस्टमेंट है कहां पे, इन यूएस। उस इन्वेस्टमेंट से मुझे क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट इनकम मिल रहा है। वो इंटरेस्ट अक्रू हो रहा है यूएस में और मैं उसको फर्स्ट टाइम रिसीव भी यूएस में ही करवा रहा हूँ, मेरा एक बैंक अकाउंट यूएस में है, तो इस वजह से अक्रूड एंड रिसीव भी यूएस में हुआ है। तो इस हालात में आर एन एन ओ आर होने की वजह से वो जो इनकम है वो इंडिया में टैक्स नहीं होगा, वो जो इनकम है वो इंडिया में टैक्स नहीं होगा। दिस इज वॉट द कंसेप्ट ऑफ, दिस इज वॉट द स्कोप ऑफ द टोटल इनकम विच इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द एक्ट इन सो फार एज आर एन एन ओ आर इज कंसर्न। ठीक है, ये पूरे कंसेप्ट मैंने आपको एक बार बता दिया। अब आते हैं स्टूडेंट्स, अब असली गेम में ध्यान से सुनना। इसमें जो बेसिक कंडीशन दो है उसमें एक ही बेसिक कंडीशन 182 दिन का ही आपको देखना पड़ेगा इन द फॉलोइंग केसेस। जो दो बेसिक कंडीशन है, एक तो है 182 डेज का और दूसरा है आपका 60 डेज इन द करंट प्रीवियस ईयर, इन द लास्ट 4 ईयर्स में 365 डेज का स्टे होना चाहिए इन इंडिया। तो इन दोनों बेसिक कंडीशन में से कोई उसमें इन दोनों बेसिक कंडीशन में से आप सिर्फ और सिर्फ पहला ही बेसिक कंडीशन देखोगे 182 डेज का इन दैट फॉलोइंग केस। विच इज दैट फॉलोइंग केसेस, जहां पे सिर्फ और सिर्फ आप 182 डेज का ही बेसिक कंडीशन देखोगे। बताइए जल्दी से स्टूडेंट्स, वो कौन सा है कंडीशन जहां पे आपने सिर्फ और सिर्फ 182 डेज का ही बेसिक कंडीशन देखना है, जल्दी बताएं। बहुत तेजी से टाइप हो रही है, मानना पड़ेगा स्टूडेंट्स। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, इस चीज के आप पुराने खिलाड़ी हो, ये तो अब पता ही चल चुका है, आपकी टाइपिंग से ही पता चल रहा है जिस तेजी से आपने टाइपिंग की है। पहला है इन दिस रिगार्ड एक इंडियन सिटीजन या फिर अ पर्सन ऑफ एन इंडियन ओरिजिन प्राइमरी, वो क्या है, वो इंडिया छोड़ रहा है प्राइमरी फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के लिए वो इंडिया को छोड़ रहा है, या फिर ही इज अ क्रू मेंबर ऑफ अ फॉरेन बाउंड शिप। वो क्रू मेंबर है ऑफ अ फॉरेन बाउंड शिप जो फॉरेन कंट्री के लिए निकल रही है, तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट है इस कॉन्टेक्स्ट में। तो ये हो गया, और एक पॉइंट दूसरा और एक आ रहा है जिसमें ये बोला गया है कि एक इंडियन सिटीजन है वो इंडिया आ रहा है प्राइमरी, एक इंडियन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है वो इंडिया आ रहा है फॉर द पर्पज ऑफ विजिट, विजिट के लिए वो इंडिया आ रहा है। तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इज कमिंग इन इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ विजिट। तो ये दो केस में क्या होगा, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 182 डेज का ही बेसिक कंडीशन देखना है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, जल्दी से पकड़ लेंगे, आप जल्द से जल्द सीए बन जाओगे और सीए बनने के तुरंत बाद आप निकल गए हो कहाँ पे, एम्प्लॉयमेंट के लिए आउटसाइड इंडिया।
कब निकले हो आप? मान के चलो कि अब आपका रिजल्ट आएगा अगस्त में, ठीक है, अगस्त में रिजल्ट आ गया और तुरंत आप अगस्त के एंड में इंडिया से बाहर, एम्प्लॉयमेंट आपकी लग गई है कहाँ पे? सिंगापुर में। अब बताओ स्टूडेंट, सिंगापुर में आपकी एम्प्लॉयमेंट लग गई है, पहले तो बताई हो, और फिर उस कॉन्टेक्स्ट में बताएं इस प्रीवियस ईयर में, जिस दैट इज प्रीवियस ईयर 2021, प्रीवियस ईयर 2021 में आप बताओगे कि आप का 60 डेज एंड 365 डेज, क्या ये भी देखा जाएगा? एंड आंसर इज नो। आपको सिर्फ 182 डेज के आपको सिर्फ 182 डेज के कंडीशन में क्या है, जांचा जाएगा। और क्या आपका, अगर अगस्त एंड में निकलते हो इंडिया के बाहर, तो क्या 182 डेज आपका स्टे इंडिया में माना जाएगा? एंड आंसर इज नो। तो इस वजह से आपका स्टे 182 डेज का नहीं है इंडिया में, एंड देयरफॉर इन दिस प्रीवियस ईयर 2021 आप बन जाओगे क्या? चुन्नी बाबू, नॉन रेसिडेंट बन गए आप प्रीवियस ईयर 2021 में, एनआर बन गए आप, बधाई हो स्टूडेंट्स 2021 में। अच्छा, उसका क्या इसका इम्पैक्ट होगा? इम्पैक्ट बहुत आसान है कि जो भी अब आप वहां पे सैलरी आप कमाओगे, सितंबर से आपकी नौकरी लग रही है वहां पे, तो जो भी आप प्राइमरी वहां पे सैलरी आप कमाओगे, तो वो सैलरी इनकम अक्रू इंडिया के बाहर हुई है, तो टैक्स भी इंडिया के बाहर ही होगी, लेकिन एक केस में आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मार के लोगे। और वो एक केस क्या है कि आप अपने पेरेंट्स के खातिर, अपने एम्प्लॉयर, सिंगापुर के जो एम्प्लॉयर है उसको ये बोलते हो कि जो 10,000 डॉलर की जो मेरी तनख्वाह है, उसमें से 2,000 डॉलर आप क्या करें, मेरे पेरेंट्स के बैंक अकाउंट में जमा करवा दें डायरेक्टली। तो डायरेक्ट क्रेडिट अगर उन्होंने कर दिया क्या आपकी तनख्वाह इन द बैंक अकाउंट इन इंडिया, तो क्या माना जाएगा? दैट यू आर रिसीविंग, नॉन रेसिडेंट हो आप, बिल्कुल हो, लेकिन आप अपना इनकम को रिसीव कर रहे हो इन इंडिया। और आप देख ही रहे हो स्लाइड में, आपके सामने खतरा मंडरा रहा है कि इनकम विच हैज बिन रिसीव्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, विल इट बी चार्ज टू टैक्स अंडर द एक्ट? एंड आंसर इज यस। सो देयरफॉर द इनकम विच इज रिसीव्ड इन इंडिया विल बी चार्ज टू टैक्स अंडर द एक्ट। तो ये टैक्स इंडिया में हो जाएगा, आप उसको रोक नहीं पाओगे। सो दैट इज अ फर्स्ट थिंग, ठीक है। तो अब आपको इसकी वजह से क्या करना चाहिए, आपको अपने एम्प्लॉयर को बोलना चाहिए। क्या बोलेंगे आप अपने एम्प्लॉयर को कि जनाब आप डायरेक्टली हमें पूरा 10,000 डॉलर दीजिए, और फिर उसमें से आप क्या करना चाहिए, आपको रेमिटेंस कर लेना चाहिए इंडिया में, ताकि आप इस पर्टिकुलर जो खतरा है वो खतरा अल्टीमेटली टल जाए। ये एनआर है, तो ये इस तरीके से केस होगा कि अक्रू इंडिया के बाहर हो रहा है, तो फिर आप थोड़ा कोशिश करें और इसको रिसीव भी इंडिया के बाहर ही करें, तो जाके क्या होगा, कोई भी चार्जेबिलिटी इस एक्ट में नहीं बनेगी ना। अगर लेकिन मान के चलें कि कुछ स्टूडेंट्स एक ग्रुप अभी दे रहे हैं जून में और जुलाई में, और कोई स्टूडेंट बाद में बोलेंगे अगला ग्रुप में नवंबर में दूंगा, तो उनका रिजल्ट निकलेगा जनवरी में, और जनवरी में अगर आपका रिजल्ट निकला तो फिर उस केस में क्या होगा, आपका फेब्रुवरी में आप सीए बन के निकल रहे हो सिंगापुर में, और फरवरी और मार्च 2 महीने की तनख्वाह आपने सिंगापुर में कमाई, तो फिर उस केस में बताइए आपका बेसिक टेस्ट तो एक ही देखा जाएगा, और वो क्या है, 182 डेज का। तो क्या 182 डेज का स्टे आपका हुआ है इन प्रीवियस ईयर 2021? एंड द आंसर इज यस। आपका 182 डेज का जो थ्रेशोल्ड है वो आपने पार किया है इन प्रीवियस ईयर 2021। तो बोलो आप क्या रेसिडेंट माने जाओगे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021? एंड द आंसर इज यस। तो उससे क्या होगा, क्या वो 2 महीने की सैलरी, फरवरी एंड मार्च की जो सैलरी आपने वहां पे कमाई है, क्या उसको यहां पे भी टैक्स किया जाएगा? अगेन आंसर इज यस। सो दैट इज वन ऑफ द पॉइंट दैट हैज टू बी कंसिडर्ड। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप नोटिस करना, अब आप सिंगापुर चले गए, वहीं पर हो आप इंडिया में आ रहे हो, बार बार आ रहे हो इंडिया में अपने पेरेंट्स को विजिट करने के लिए, तो फिर जब आप विजिट करने के लिए आ रहे हो, आप प्राइमरी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, बिल्कुल पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, और आप आ रहे हो इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ विजिट, कैसे पता चलता है कि आप हो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन? आप या फिर आपके पेरेंट्स या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स बॉर्न हुए हैं इन अनडिवाइडेड इंडिया, तो बन जाओगे आप फिर से, बताइए क्या? बिल्कुल सही कहा आपने। तो ऐसे केस में इस सिचुएशन में आप हो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और इसी कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स क्या होगा कि आप जब विजिट करने के लिए आते, क्योंकि पॉसिबल है आप हो सकता है कि बाहर के कंट्री के सिटीजन बन गए, आप इंडिया के सिटीजनशिप को क्या कर देंगे, रिवोक कर देंगे, पॉसिबिलिटी है कि नहीं? बिल्कुल।
हो सकता है कि इंडियन सिटीजनशिप गिव अप कर दिया आपने और वहां का सिटीजनशिप ले लिया, लेकिन जड़ तो आपका इंडिया से ही जुड़ा हुआ है, ओरिजिन तो आपका यहीं का है, उसको कैसे बदल सकते हो? नहीं बदल पाओगे भाई, चाहे कुछ भी कर लो। और फिर ऐसे केस में स्टूडेंट्स क्या है, आप हो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड देयर फॉर इन दैट रिगार्ड, देयर फॉर इन दैट पर्टिकुलर रिगार्ड, जब जब आप विजिट करने के लिए आए तो बैकग्राउंड में वही गाने चलते रहेंगे, इजंट इट? और आपको ये देश खींचता चला जाएगा, ये सब चीजें होंगी, आप भी खुद अल्टीमेटली महसूस करोगे एक टाइम के बाद। तो ये सब सिचुएशन में जब आप इंडिया आ रहे हो उस टाइम पे आपको उस समय पे भी 182 डेज का ही थ्रेशोल्ड देखा जाएगा, 182 डेज का ही थ्रेशोल्ड आप पे आजमाया जाएगा क्योंकि आप विजिट के लिए आए हो। लेकिन फिर जैसे सेंटी हो गए आप और आप बोलोगे अब बहुत हो गया, एट द एंड ऑफ द डे अपने घर में भी है रोटी, इजंट इट? तो इस वजह से आप इंडिया में आते हो किसके लिए, अब परमानेंट सेटलमेंट करने के लिए, परमानेंट सेटलमेंट करने के लिए अब आप इंडिया में आते हो। तो बताइए जनाब, ऐसे पर्टिकुलर केस में जब आप इंडिया में आते हो फॉर द पर्पस ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, तो फिर उस पर्टिकुलर केस में आपके लिए क्या होगा पर्टिकुलर टेस्ट? क्या सिर्फ 182 डेज पे ही आजमाइश की जाएगी आपके लिए, या दोनों ही बेसिक कंडीशन देखा जाएगा? तो उस कॉन्टेक्स्ट में दोनों ही बेसिक कंडीशन देखा जाएगा स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, दोनों ही बेसिक कंडीशन देखा जाएगा, ठीक है? क्योंकि अब आप आ रहे हो परमानेंट सेटलमेंट के लिए, इंडिया में आ रहे हो फॉर परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है? तो ये चीज बस आप लोग ध्यान रखना। इसके अलावा स्टूडेंट, क्योंकि यहां पर है ना वो वर्ड्स आते हैं, बहुत केयरफुल रहना। मैं इसके लिए क्यों जोर दे रहा हूँ, क्योंकि ये क्या होगा, ये मैं आपको थोड़ा सा कल लिंकिंग करवाऊंगा एक चीज को लेकर। आज मैं इस पे क्यों बोल रहा हूँ, एनआरआई के कॉन्टेक्स्ट में कुछ पॉइंट्स आएंगे एनआरआई में, जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ ना, वो मैं कल लिंक करूंगा जब मैं एनआरआई को इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा। तो थोड़ा सा केयरफुल रहना कि क्वेश्चन किस तरीके से भी घुमा सकते हैं एग्जामिनेशन में, और वो घुमा चुके हैं अर्लियर, तो यू हैव टू बी जस्ट बी कंसेप्चुअली वेरी क्लियर ऑन सर्टन एस्पेक्ट्स। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट्स एक लास्ट पॉइंट है, वो क्रू मेंबर्स का एक स्पेशल पॉइंट है, मालूम है आपको, वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन एंड साइनिंग ऑफ, मालूम है, ज्वाइनिंग इन एंड साइनिंग ऑफ, उतना पीरियड क्या है वो हम कंसिडर नहीं करते हैं फॉर अ क्रू मेंबर ऑफ अ फॉरेन बाउंड शिप, ये आपको पता होगा। तो उतना पीरियड प्राइमली हम कंसिडर नहीं करेंगे फॉर हुम, फॉर द क्रू मेंबर ऑफ द फॉरेन शिप, ये बस ये वाला पॉइंट ध्यान रखना। आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव रेड इट, तो मैं उस पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो उसकी अपनी वजह है कि इंडिया का मतलब TWI भी होता है, तो हो सकता है अनफॉर्चुनेटली वो बेचारा क्रू मेंबर अटक जाए, उस वो रेसिडेंट बन जाए क्योंकि वो TWI के अंदर था, ठीक है? तो वो बहुत एडमिनिस्ट्रेटिवली एक डिफिकल्ट टास्क है पता लगाना कि प्राइमली वो कितने टाइम तक TWI के था और कब वो क्रॉस करता है फ्रॉम द कब वो क्रॉस करता है TWI को टू द फॉरेन डेस्टिनेशन। तो इस वजह से एक अमेंडमेंट आई है, आपको पता है, वो अमेंडमेंट के जरिए वो क्रू मेंबर ऑफ अ फॉरेन बाउंड शिप के कॉन्टेक्स में जब वो लॉग इन करता है और लॉग आउट करेगा, साइन इन एंड साइन आउट, लॉग इन और लॉग आउट, तो वो पीरियड जब वो शिप को ज्वाइन करता है और जब वो साइन आउट करेगा, उतना हिस्सा पीरियड का कंसिडर नहीं होगा इन डिटरमाइनिंग व्हाट, इन डिटरमाइनिंग हिज रेसिडेंशियल स्टेटस, ये चीज बस आप लोग ध्यान रखना। और इसको ये एग्जामिनेशन में ये MCQ के जरिए वो पूछ सकते हैं, अलग से कोई केस स्टडी इसकी बनेगी नहीं, दे विल टारगेट यू इन द फॉर्म ऑफ एन MCQ। धीरज चांडक, यस, अगर वो इंडियन सिटीजन है, धीरज चांडक अगर वो इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, तो डेफिनेटली ऐसे हालात पे भी फॉरेन बाउंड शिप होने की वजह से ये चीज उसको 182 दिन का ये हो जाएगा। आगे बढ़े स्टूडेंट्स, अब्दुल ठीक कह रहे हो, सिटीजनशिप का क्राइटेरिया है पासपोर्ट, सिटीजनशिप की क्राइटेरिया पासपोर्ट ही मानी जाती है, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब पोएम की तरफ आते हैं फॉरेन कंपनी के लिए, लेकिन फॉरेन कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में कुछ क्वेरी अगर होगा तो आप लोग बस क्विकली यहां पर इंडिविजुअल का लिख देना, मैं देख लूंगा। लेकिन अब मैं पोएम फॉरेन कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में आऊंगा, उसके पहले क्विकली एक बार इंडिविजुअल HUF करवा, मैं आपको HUF करवा देता हूँ। HUF में स्टूडेंट्स क्या देखा जाता है, फॉर HUF व्हाट इज दैट यू लुक इनटू इट, HUF में भी आपको ये देखना पड़ता है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बेस, रेसिडेंट बनने के लिए देखा जाता है कि क्या HUF की कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पार्टली इन इंडिया है या नहीं। अगर आप बोलते हो कि हाँ HUF की कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया,
अगर ये आप कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देते हो तो फिर ऐसे केस में एचयूएफ को आप बोलोगे एज अ रेसिडेंट इन इंडिया। तो एचयूएफ के कॉन्टेक्स्ट में आप देखते हो कि क्या एचयूएफ का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पार्टली इंडिया में सिचुएटेड है। इफ द आंसर इज येस, देन एचयूएफ विल बी कंसिडर्ड टू बी अ रेसिडेंट इन इंडिया। ठीक है। अच्छा, एचयूएफ के कॉन्टेक्स्ट में और एक चीज ध्यान रखना, एचयूएफ के कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स और एक चीज आप लोग ध्यान रखना, जो उसमें एडिशनल कंडीशंस, मतलब कि एचयूएफ भी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट या फिर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन सकता है। एचयूएफ भी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट या फिर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन सकता है। वो उसके कॉन्टेक्स्ट में वो जो एडिशनल दो एडिशनल कंडीशन जो है, दो प्रीवियस ईयर में उसका मिनिमम, टू प्रीवियस ईयर में उसका रेसिडेंट आउट ऑफ द 10 प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर, एंड दूसरा क्या है, मोर देन 729 डेज का स्टे इन इंडिया इन लास्ट 7 प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर। ये जो दो एडिशनल कंडीशन है ना, ये हम कर्ता के लेवल पे टेस्ट करेंगे, और ये जो दो एडिशनल कंडीशन है ये आपको कर्ता के लेवल पे टेस्ट करना है। और अगर ये दोनों एडिशनल कंडीशन कर्ता के लेवल पे ये सेटिस्फाई हो जाता है तो फिर ऐसे केस में एचयूएफ को बोलेंगे आप आरएनओआर या फिर आरएनएनओआर। बेसिक कंडीशन, जो बेसिक कंडीशन है एचयूएफ की, वहां पे कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पार्टली इंडिया में अगर है तो एचयूएफ बन जाएगा द रेसिडेंट। और जहां तक एडिशनल कंडीशन है, दो एडिशनल कंडीशन है, वो आप कर्ता के लेवल पे टेस्ट करोगे और उसी कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा उसे आप आर एन ओ आर या आर एन एन ओ आर मानोगे, इस तरीके से। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, बाकी जो पार्टनरशिप फर्म हुआ, एओपी बीओआई हुआ, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन हुआ, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट ही होगा, रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट ही होगा। और उनके रेसिडेंट के लिए, उनके रेसिडेंट के लिए क्या कंडीशन है, कंडीशन उनका है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अगर पार्टली इंडिया में है, पार्टली अगर वो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में है तो काफी होगा उनको रेसिडेंट बन जाने के लिए फॉर दैट पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर, रेसिडेंट बन जाने के लिए फॉर दैट पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर। ठीक है। और फाइनली अब आते हैं, अच्छा बस पार्टली इंडिया में होना चाहिए कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, एंड दैट विल बिकम अ, दैट विल मेक देम द रेसिडेंट इन इंडिया फॉर ए पार्टनरशिप फर्म, एओपी बीओआई, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, उनके लिए कोई भी एडिशनल कंडीशन नहीं है। ठीक। तो या तो वो रेसिडेंट बनेंगे या नॉन रेसिडेंट। अब उससे अब आते हैं हम लोग अपने लास्ट कैटेगरी में, सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी, कंपनी। कंपनी में बताओ क्या होगा, रेसिडेंट कब माना जाएगा। एक इंडियन कंपनी हमेशा ही रेसिडेंट मानी जाएगी, इंडियन कंपनी हमेशा ही क्या है, रेसिडेंट मानी जाएगी। मानते हो इस बात को। एज फार एज दी फॉरेन कंपनी इज कंसर्न, बताइए जनाब, फॉरेन कंपनी इंडिया की टैक्स रेसिडेंट तभी मानी जाएगी अगर उसकी पोयम इंडिया में सिचुएटेड है इन दैट पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर। सो फॉर फॉरेन कंपनी अदर देन द इंडियन कंपनी दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ रेसिडेंट इन इंडिया इफ एंड ओनली इफ देयर पोयम इज सिचुएटेड इन इंडिया। पोयम उनका सिचुएटेड इंडिया में होना चाहिए एंड दैट विल मेक देम, दैट विल मेक देम वॉट डी टैक्स रेसिडेंट इन इंडिया। ठीक है। सो दिस इज हाउ इट हैज टू बी कंसिडर्ड। चलिए स्टूडेंट, अब अगर आप देखोगे इस कॉन्टेक्स्ट में, इन दिस सिचुएशन, संगीता गोस्वामी का एक क्वेरी है, इफ नथिंग इज मेंशन्ड इन क्वेश्चन अबाउट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ एचयूएफ, वी हैव टू अज्यूम फुल्ली आउटसाइड इंडिया। नहीं संगीता, पॉजिटिव आप लेंगे, नेगेटिव कंडीशन नहीं डालेंगे, यू बिकॉज इट्स अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो ऑब्वियसली इंडिया में उसका बेस तो दिखना ही है, तो यू विल ऑलवेज गो विद अ पॉजिटिव अजम्पशन, नॉट अ नेगेटिव अजम्पशन, कि हम मान के चल रहे हैं कि पूरा का पूरा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया है। नहीं, उस टाइम पे प्रिजम्पशन लिया जाएगा अपने नोट्स में, एग्जामिनेशन में, कि हम मान के चल रहे हैं कि इसका थोड़ा बहुत तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में तो होगा ही। पीयूष का एक क्वेरी ले लेता हूं मैं, सर अगर हेड ऑफिस इंडिया में है लेकिन पॉलिसी डिसीजन आर टेकन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, देन स्टेटस क्या होगा। आप लेकिन पीयूष किसके लिए बात कर रहे हैं, ये तो बताइए कि किसके लिए बात की जा रही है, तब जाके थोड़ा सा आगे चर्चा करने में ठीक होगा। मैं आपकी क्वेरी को आगे रख लूंगा, अभी कंपनी के लिए आ जाए, फॉरेन कंपनी में आइए ध्यान से स्टूडेंट्स देखते हैं। फॉरेन कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में चलिए स्टूडेंट, अब फॉरेन कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में एक बार मैं आप सभी लोगों को फिर ले लेता हूं उस सिचुएशन में।
जल्द से जल्द। ठीक है, चलिए अब फॉरेन कंपनी के कॉन्टेस्ट पे स्टूडेंट आइएगा। लेट्स लुक अपॉन टू दैट फॉर फॉरेन कंपनी। स्टार्ट करता हूँ फॉरेन कंपनी। फिर पीयूष, उस पड़ीवा केस में आप अगर ये सिद्ध कर पाओ, ये सिद्ध कर पाओ कि पूरा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट उनका इंडिया के बाहर है, ये प्रूव करना होगा, तो फिर तब जाके एसएससी बन जाएगा नॉन रेसिडेंट, इफ दैट कैन बी प्रूव्ड। अदरवाइज डेफिनेटली इफ वो थोड़ा बहुत भी टुकड़ा अगर उसका इंडिया में, अगर आपको अंश अगर आपको इंडिया में मिल जाता है, तो फिर उस केस में वो रेसिडेंट माना जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब स्टूडेंट्स आते हैं हम लोग फॉरेन कंपनी में। थोड़ा सा ध्यान दे के चलना स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स फॉरेन कंपनी में जैसे मैंने कहा ना, वो तभी रेसिडेंट माना जाएगा, वो तभी ही रेसिडेंट माना जाएगा जबकि उसकी पोएम इंडिया में है। तो पोएम का टेस्ट देखा जाएगा फॉर फॉरेन कंपनी, लेकिन सारे फॉरेन कंपनी पे पोएम का टेस्ट हम उसके हिसाब से उसका रेसिडेंशियल स्टेटस अप्लाई करेंगे, या फिर इसका भी कुछ एक्सेप्शन है? मेरा क्वेश्चन आपके लिए ये है, इज इट दैट फॉर ऑल द फॉरेन कंपनी वी विल अप्लाई द पोएम टेस्ट टू डिसाइड इट्स रेसिडेंशियल स्टेटस, या इसका भी अपना कुछ एक्सेप्शन है? ये मेरा पहला क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी से बताओ कोई है इसका एक्सेप्शन? जल्द से जल्द स्टूडेंट्स कार्रवाई करें अपनी। एक्सेप्शंस जानना चाहूंगा आप लोगों से, इज देयर एनी एक्सेप्शन ऑन दैट? लेट मी सी, जल्दी बताओ कोई एक्सेप्शन है? बताइए कि हाँ, तो फिर क्या है वो एक्सेप्शन? मोनिका ने देखो सही कह दिया। सो मोनिका एंड जसप्रीत ने सही कहा है, बाकी लोग को मतलब कि पता नहीं है स्टूडेंट्स। काफी हद तक 50 करोड़ का थ्रेशोल्ड, ये पोएम वाला जो कंडीशन है अपने आप में बहुत भयंकर कंडीशन है, ये छोटी मोटी फॉरेन कंपनी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो उस लेवल का फॉरेन कंपनी का भी होना जरूरी है, तब जाके पोएम वाली कंडीशन, इतने बड़े कंडीशंस को आप उन पे आजमाओगे। तो अगर आपके फनाए उस प्रीवियस ईयर में अगर उनकी टर्नओवर 50 करोड़ से कम है, तो आप ये पोएम वाली कंडीशन उन पे नहीं आजमाओगे। आप बोलोगे सर अगर पोएम की कंडीशन आजमाई नहीं जाएगी तो फिर उस पर्टिकुलर केस में क्या किया जाएगा? हाउ डू वी डिसाइड दैट दे आर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट? तो उस सिचुएशन में उनके रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट, उनके रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट डिसाइड करने के लिए देखा जाएगा दी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। ध्यान से सुनना इसको, क्या देखा जाएगा? दी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। एंड ओनली इफ इट्स एंटायर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज सिचुएटेड इन इंडिया। क्या मैंने कहा? इट्स एंटायर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज सिचुएटेड इन इंडिया, दैट दी फॉरेन कंपनी विल बिकम अ नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। कि अगर उनका पूरा का पूरा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अगर इंडिया में सिचुएटेड है, तब जाके ही उसे माना जाएगा, क्या माना जाएगा? दी नॉन रेसिडेंट, सॉरी दी रेसिडेंट इन इंडिया, रेसिडेंट इन इंडिया एंटायर। तो उनके लिए एंटायर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, बाकियों के लिए जैसे कि पार्टनरशिप फर्म, एचयूएफ और AOPBOI, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, उनके लिए पार्ट ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अगर इंडिया में है, तो वो बन जाएंगे क्या? वो बन जाएंगे दी रेसिडेंट। लेकिन फॉरेन कंपनी जिनका प्रीवियस ईयर में टर्नओवर 50 करोड़ से कम है, उनको अगर आपको इंडिया में रेसिडेंट बनाना है, तो बहुत जरूरी है कि उस प्रीवियस ईयर में उनका एंटायर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहां पे होना जरूरी है स्टूडेंट्स? इन इंडिया। दिस इज व्हाट विल बी रिक्वायर्ड टू डिसाइड वेदर द फॉरेन कंपनी इज अ टैक्स रेसिडेंट इन इंडिया और नॉट। डिड यू ऑल गॉट दिस वन? तो एक चीज देखेगा आपको घुमा देंगे एग्जामिनेशन में, क्योंकि आईसीएआई ने पोएम पे अच्छा खासा पूछ लिया क्वेश्चन अभी तक पास अटेम्प्ट में। अगर देख लिया जाए तो 50 करोड़ में वो जानते हैं कि बहुत लोग सो रहे हैं 50 करोड़ के कंडीशन को लेके, किसको पता नहीं है, बहुत लोग, बहुत कम स्टूडेंट है जो इसको पे नजर लगा के रखे। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू बी जस्ट वेरी केयरफुल अबाउट इट।
ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, ये बात ध्यान रखना, केयरफुल रहना, एमसीक्यू के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आते हैं पोएम वाले कंडीशन में। पोएम में सीधा सीधा बस करना क्या होता है आपको पता ही है। सबसे पहला पॉइंट, आपको जब 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 भी पोएम की बात आती है तो इसमें स्टूडेंट्स हमें क्या करना होता है, दिस इज वॉट वी डू। पहले तो आप ये देखते हो, क्या बताओ कि ए बी वाई कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ है या नहीं। तो फॉरेन कंपनी का पोएम पता लगाने के लिए ये ए बी वाई सेटिस्फाइड, ए बी वाई मतलब एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया टेस्ट, ए बी वाई सेटिस्फाइड, और दूसरा आप क्या बोलोगे, ए बी वाई नॉट सेटिस्फाइड। तो ये ए बी वाई क्या है वो अभी थोड़ी देर में देख लेंगे। सो ए बी वाई सेटिस्फाइड, ए बी वाई नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। अच्छा, जब ए बी वाई सेटिस्फाइड है तो पोएम इनकी प्रिज्यूम की जाती है आउटसाइड इंडिया, तो प्रिज्यूम की जाती है आउटसाइड इंडिया। अब जल्दी बताओ इसके आगे क्या लिखना है मुझे, कि बस इतना लिख के छोड़ दूं, पोएम प्रिज्यूम टू बी आउटसाइड इंडिया, टू बी आउटसाइड इंडिया। बस इतना लिख के छोड़ दो कि आगे भी कुछ आप कंट्रीब्यूट करोगे, बताइए जल्दी से, कुछ आपके तरफ से कंट्रीब्यूशन आएगी, कितना लिख के छोड़ दो। देख के नहीं बोलना है, मैं भी किताब देख कर अल्टीमेटली बोल रहा हूं तो कोई भी बोल देगा, कोई ओपन बुक नहीं है। जल्दी बताओ, इतना लिख के छोड़ दो, ए बी वाई सेटिस्फाइड है, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया टेस्ट अगर सेटिस्फाइड है तो पोयम उनकी मानी जाएगी, प्रिज्यूम की जाएगी क्या की है, टू बी आउटसाइड इंडिया। आगे फिलिंग द ब्लैंक्स है जो आपको फिल करना है, बताइए, फिलिंग द ब्लैंक्स है स्टूडेंट्स जो कि आपको फिल करना है। अरे अशोका, ये वो अभी कहां पहुंच गए, वहां पे नहीं, ए बी ओ आई अगर वो कंडीशन, ए बी ओ आई अभी अभी मैं टेस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं स्टूडेंट्स ए बी ओ आई अभी मैं आपको बता नहीं रहा हूं, मैं सीधा मेन प्रोविजन बता रहा हूं कि अगर उसका ए बी ओ आई कंडीशन सेटिस्फाइड है तो उस फॉरेन कंपनी का पोएम माना जाएगा कहां पे, आउटसाइड इंडिया। उसके आगे फिलिंग द ब्लैंक्स मैं आपको बोल रहा हूं, उसके आगे क्या लिखूं मैं, ये मैं जानना चाहता हूं, इससे थोड़ा पता चल जाएगा आप लोगों का लेवल ऑफ प्रिपेयरेडनेस, बिना देखे जो याद आ रहा है उतना ही वो लिखोगे। जल्दी जल्दी बताओ स्टूडेंट्स, 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, तुरंत तेजी से कार्रवाई करें। वो तो मैं बताऊंगा, मैं देख रहा हूं अशोका, बाकी लोगों है कोई और, पोएम इज प्रिज्यूम टू बी आउटसाइड इंडिया इफ। नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स, ऐसा कैसे भाई, अटक रहे हो आप लोग, पोएम इज प्रिज्यूम टू बी आउटसाइड इफ। नहीं जसप्रीत जी, पोएम इज प्रिज्यूम टू बी आउटसाइड इंडिया इफ मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग। चलिए आप लोग काम करो, ये लिखना चालू करो, मतलब ये आप लोग का क्लियर नहीं है, लिखना चालू करें आप लोग, बैठ बैठ के अल्टीमेटली सुनने का ये अल्टीमेट नतीजा होगा। पोएम प्रिज्यूम टू बी आउटसाइड इंडिया इफ मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग आर हेल्ड आउटसाइड इंडिया, ये लिख लिख के दिमाग में बैठेगा, आर हेल्ड आउटसाइड इंडिया, और इसका भी एक एक्सेप्शन है, इसका भी एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन स्टूडेंट्स क्या होगा, तो ये हम प्रिज्यूम करेंगे वो फॉरेन कंपनी जिसका एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया टेस्ट जो है वो सेटिस्फाई होता है, तो उस फॉरेन कंपनी का हम पोयम प्रिज्यूम करेंगे कि वो आउटसाइड इंडिया है, अगर मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग क्या है वो इंडिया के बाहर होता है तो, ठीक है। तो ये होगा, और इससे डेफिनेटली वो बन जाएगा, अगर ये होगा तो इससे क्या बन जाएगा, वो नॉन रेसिडेंट, लेकिन एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन का मतलब क्या होगा कि इस एक्सेप्शन के जरिए वो रेसिडेंट बन सकता है। बताइए जनाब, वो एक्सेप्शन क्या है जिसके एक्सेप्शन के जरिए वो रेसिडेंट बन सकता है, बता सकते हो, व्हाट इज दैट एक्सेप्शन वेयर ही कैन बिकम अ रेसिडेंट। सो एज फार एज द एक्सेप्शन इज कंसर्न, इन दिस केस यहां पे इफ द डी फैक्टो कंट्रोल, याद आ गया आप लोगों को ये वर्ड, याद रखेंगे आप लोग, डी फैक्टो कंट्रोल ऑफ द फॉरेन कंपनी
इज विथ एन इंडियन कंपनी और अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, तो फिर उस केस में क्या होगा? द पोएम ऑफ फॉरेन कंपनी कहां पे मानी जाएगी? शैल बी डीम्ड टू बी सिचुएटेड इन इंडिया। दिनेश वो बाद में आएगा, अभी नहीं आ रहा है। अभी आप ये वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे नजर रखें। स्टूडेंट्स ये आप लोग को लिखना होगा, आप लोग कमजोर चल रहे हो इसमें, एक्सपोज हो चुके हो। देखिए लाइव गुफ्तगू से पता चल गई है कि कहाँ पे कमजोरी छाई हुई है आपके यहाँ पे, तो ये एरिया आपका कमजोर है, पक्की बात है। तो एनआर वो एबीओआई, अब आप बोलोगे एबीओआई कंडीशन क्या है, बताऊंगा, लेकिन अभी हम मान के चल रहे हैं कि एक फॉरेन कंपनी जिसने एबीओआई की कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया है, जिसने एबीओआई की कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया है, तो उसकी पोएम हम प्रिज्यूम करेंगे कि कहां पर है, आउटसाइड इंडिया है, अगर शर्त यह है कि मेजोरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग उसका कहां पे हो रहा है, इंडिया के बाहर, ठीक है। लेकिन ये तब जाके वो नॉन रेसिडेंट माना जाएगा क्योंकि पोएम आउटसाइड इंडिया मान रहे हैं हम लोग। लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन का मतलब क्या है कि उस केस में वो फॉरेन कंपनी को हम मानेंगे एज अ रेसिडेंट इन इंडिया। तो वो केस कौन सा है जहां पे वो फॉरेन कंपनी का जो डी फैक्टो कंट्रोल जो होगा अगर वो एक इंडियन कंपनी के पास है या फिर अ पर्सन हु इज अ रेसिडेंट इन इंडिया, तो उस पर्टिकुलर केस में वो फॉरेन कंपनी की पोएम हम कहां पे मानेंगे, इन इंडिया, और उसके वजह से वो क्या हो जाएगा, अ रेसिडेंट इन इंडिया, अ रेसिडेंट इन इंडिया। डी फैक्टो कंट्रोल का मतलब क्या है, बहुत आसान से मैं बता देता हूँ स्टूडेंट्स। जो पहले यूपीए का एक ये था, यूपीए गवर्नमेंट था, तो उसमें बोला जाता था पहले कि मनमोहन सिंह जी जो थे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन जो डी फैक्टो जो कंट्रोल है, जो डी फैक्टो कंट्रोल था वो कहाँ था, 10 जनपद पे। तो ये है द रियल कंट्रोल, कहाँ पर है, प्राइमरी 10 जनपद पे, एंड दैट एग्जैक्टली वॉट इज द डी फैक्टो, द रियल कंट्रोल किसके हाथ में, मतलब रिमोट किसके हाथ में है, दैट इज द डी फैक्टो कंट्रोल, दैट एग्जैक्टली इज द गेम, ठीक है। तो ये होगा स्टूडेंट्स उस फॉरेन कंपनी का जिसका एबीओआई कंडीशन सेटिस्फाइड है, फाइन। आइए अब आते हैं हम लोग स्टूडेंट सेकेंड कैटेगरी में, जहां पे एबीओआई की कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, उस केस में क्या होगा वो पहले पता लगाते हैं, ठीक है। एबीओआई की कंडीशन अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर उस केस में व्हाट विल बी द सिचुएशन। तो वहां पे जब फॉरेन कंपनी का एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया का टेस्ट सेटिस्फाइड नहीं है स्टूडेंट्स, तो वहां पे दो चीजें आपको पता लगानी है, ध्यान से सुनिएगा, और वो क्या दो चीजें हैं, हु इज द पर्सन, हु इज द पर्सन हु अंडरटेक, लिखते रहिएगा, हु इज अ पर्सन हु अंडरटेक्स द की डिसीजन द की डिसीजन फॉर द कंपनी। और दूसरा पॉइंट है Where such key decisions are taken, who and where, यही दो ultimately आपको पता लगाना है, वो कौन है जो कि ये foreign company के लिए का key decision लेता है, वो बंदा कौन है जो कि उस foreign company का key decision लेता है। और दूसरा point मैंने क्या कहा students, Where he is taking such key decision, ठीक है। और अगर ये where निकला कहां पे, in India, ये जो location है, पहले तो कौन और कहां, तो ये जो कहां अगर India में अगर आपको मिल गया, तो फिर ऐसे केस में स्टूडेंट्स क्या आप कहोगे, दैट द पोएम ऑफ दैट फॉरेन कंपनी जो ABOI की कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, उसकी पोएम इंडिया में
पाई जा रही है, और अगर उसकी पोएम इंडिया में अगर पाई जा रही है तो फिर ऐसे केस में वो बन जाएगा इंडिया का टैक्स रेसिडेंट, वो बन जाएगा इंडिया का टैक्स रेसिडेंट। डिड यू ऑल गॉट दिस वन? ठीक है, अगर पकड़ लिया है वो यहां तक पॉइंट तो बता दो हाँ या ना। और मैं अब आपको थोड़ा क्लेरिफिकेशन दे रहा हूं, जो कि दिनेश अय्यर ने भी एक क्वेरी के जरिए कुछ पूछा था, उसको मैं यहां पे बता रहा हूं आप लोगों का। मुझे समझ में आ गया ये एबीओ में आप लोग मिक्सअप हो, आपका दिमाग मिक्सअप चल रहा है काफी। यहां के प्रोविजन को आप वहां पे चिपका रहे हो, वहां का वहां इस तरफ, तो जगल जगल अब बहुत हो रहा है आपकी तरफ से। ये जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा फिर, अब नोटिस करना। अब जैसे दिनेश अय्यर ने यहां पे क्वेरी डाल दी थी, वो मैं आपके सामने रखता हूं। स्टूडेंट्स, ये जो बोर्ड मीटिंग, ये जो है कि ये कैसे पता चलेगा दैट हु इज दैट पर्सन जो कि उस कंपनी का की डिसीजन ले रहा है, कैसे पता चलेगा? तो पहला तो सबसे नॉर्मल पॉइंट होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसका बोर्ड कहां पर है, तो ऑब्वियसली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही लेते हैं, इजंट इट? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पता लगाइए, और फिर वो ये डिसीजन, उनकी बोर्ड मीटिंग कहां होती है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही पहला पॉइंट है, और वो मीटिंग कहां पे लेते हैं, दैट इज वन। लेकिन पॉसिबल है, ये मुमकिन है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या है, ये डिसीजंस की डिसीजन को डेलीगेट कर दिया होगा टू अ कमिटी। अगर उन्होंने डेलीगेट कर दिया होगा टू द कमिटी, तो फिर वो कमिटी क्या है, ये डिसीजन कहां पे लेती है, ये डिसीजंस कमिटीज कहां पे लेती है, तो कमिटी को देखना पड़ेगा। पॉसिबल है कि ये ऑनलाइन के जरिए क्या है, ये सारे डिसीजन लिए जा रहे हैं, और जो मेन जो एग्जीक्यूटिव्स हैं ये अलग अलग लोकेशंस पे हैं। तो ऐसे हालात पे मैक्सिमम एग्जीक्यूटिव कहां पे रिसाइड करते हैं, मैक्सिमम एग्जीक्यूटिव कहां पे रिसाइड करते हैं, उसके आधार पे क्या है, ये पर्टिकुलर कॉल लिया जाएगा कि ये उनकी पोयम कहां पे मानी जाएगी। तो ये कुछ सीबीडीटी के सर्कुलर्स हैं, गाइडलाइंस हैं, जो कि मुझे लगता है पेपर 7 में आप लोगों के लिए ये इतना क्रिटिकल नहीं है एज कंपेयर टू पेपर 6C जो इलेक्टिव पेपर लेते हैं इंटरनेशनल टैक्सेशन के लिए। लेकिन आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए कि कैसे पता चलेगा कि भाई कौन ले रहा है ये क्रिटिकल डिसीजन। तो ये कैसे पता चलेगा, तो मैंने आपको एग्जाम्पल के जरिए बता दिया कि पहले तो बोर्ड ही होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो पता लगाइए कि वो डिसीजन कहां पे ले रहे हैं। अगर उन्होंने किसी को डेलीगेट कर दिया, ये जवाबदारी किसी को डेलीगेट कर दिया है, तो जिसको डेलीगेट किया है वो ये डिसीजन कहां ले रहा है। और आखिरी में, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ये ऑनलाइन के जरिए इस तरीके से हो रहा है, तो फिर जो मैक्सिमम एग्जीक्यूटिव्स हैं जो ये डिसीजन ले रहे हैं, वो कहां रिसाइड कर वो कहां पे रिसाइड कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, दैट एग्जैक्टली हाउ इट हैज टू बी कंसिडर्ड। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने स्टूडेंट्स। तो ये सिचुएशन आप लोग ये पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में ये हुआ, तो ये है स्टूडेंट। अभी मैं एबीओआई में, क्रिश अभी तक तो मैं एबीओआई में आया ही कहा हूं, मैं तो अभी एबीओआई में पहुंचा ही नहीं हूं। मैं तो बस आपको इतना ही बोल रहा हूं कि भाई फॉरेन कंपनी ने एबीओआई का कंडीशन सेटिस्फाई किया है या नहीं, बस मैंने इतना ही कहा है आप लोगों से। अगर वो सेटिस्फाई करता है तो इस सिचुएशन में ये माना जाएगा एज अ रेसिडेंट और एज अ नॉन रेसिडेंट, और अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता है तो फिर उस केस में उसकी पोयम कहां मानी जाएगी, वो हमने अभी तक देखा है। अब ये एबीओआई का कंडीशन क्या है, व्हाट इज दिस कंडीशन ऑफ एबीओआई? तो एबीओआई का कंडीशन क्या है, एज द नेम सजेस्ट, एक्टिव। हाँ अब्दुल, बिल्कुल है। हु का मतलब है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, या वो कमिटी हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, एक्टिव एबीओआई का मतलब आपको आइडिया होगा। नाउ इन दिस केस, ये एबीओआई को, ये एबीओआई का आप कंडीशन को एक बार एनालाइज कर लेते हैं, और इसका कंडीशन क्या है, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया टेस्ट। एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया टेस्ट, ठीक है, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया टेस्ट। तो फिर उस केस में पीयूष, प्रिजम्पशन ही आपका निकल जाएगा ना, तो प्रिजम्पशन ही हट गया, तो उसका मतलब वो रेसिडेंट इंडिया को हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब इस कॉन्टेक्स्ट में, इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में ध्यान दीजिएगा।
ये एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया टेस्ट, इसको मैंने तोड़ दिया है एज एक्टिव बिजनेस एंड आउटसाइड इंडिया, इसको मैंने तोड़ दिया इनटू टू पार्ट्स। जहां तक एक्टिव बिजनेस है, व्हाट डू मीन बाय एक्टिव बिजनेस, बस ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि पैसिव इनकम जो होगा शुड बी लेस देन और इक्वल टू 50, वो फॉरेन कंपनी की जो पैसिव इनकम है, फॉरेन कंपनी की जो पैसिव इनकम होगी वो कितना होना चाहिए, नॉट मोर देन 50% ऑफ द टोटल इनकम। टोटल इनकम, पैसिव इनकम जो होगी उस फॉरेन कंपनी की शुड नॉट बी मोर देन 50% ऑफ द टोटल इनकम। टोटल इनकम किसका, फॉरेन कंपनी का। तो जो पैसिव इनकम है फॉरेन कंपनी की, तो ये पैसिव इनकम में क्या है प्राइमरी, अब आप बोलोगे पैसिव इनकम में क्या है, पीजीबीपी को छोड़ के सारे इनकम ले लो आप, पीजीबीपी को छोड़ के स्टूडेंट सारे इनकम आप ले लो, ये बनेगा एक्सेप्ट पीजीबीपी ऑल इनकम। मैं ये सिंपल वर्ड्स में लिख रहा हूं, एक्सेप्ट पीजीबीपी ऑल द इनकम। तो आपका रेंट आ गया, इंटरेस्ट आ गया, डिविडेंड आ गया है, रॉयल्टी आ गया, एफटीएस आ गया है। और जहां तक पीजीबीपी की बात है, मतलब कि अगर सेल ऑफ गुड्स, सेल एंड सप्लाई ऑफ गुड्स की बात है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही केस है जो कि आप इसे कंसिडर करोगे, और वो है कि एसोसिएट एंटरप्राइज जो है उससे मैंने क्या किया है, एई से मैंने बोथ परचेज भी किया है गुड्स एंड सेल भी किया है। तो उस पर्टिकुलर केस में बोथ परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स जो हुआ है, तो उसमें जो मेरा इनकम है, स्टूडेंट्स, जो उसमें जो इनकम होगा, ये इनकम को भी हम पैसिव इनकम में ही मान के चलेंगे। लॉजिक देखो इसका एकदम क्लियर कट लॉजिक है। अब आप एसोसिएटेड एंटरप्राइज से जो आपका एई है उसके साथ आप गुड्स उससे ही खरीदोगे, और उसी को मतलब दूसरे एई को आप बेच दोगे। तो आपने किसी एक एई से गुड्स खरीदा है और किसी दूसरे एई को ही, लेकिन एसोसिएट एंटरप्राइज को आपने क्या किया, गुड्स को बेचा है। तो बताइए जनाब, ऐसे केस में क्या आप दोनों के बीच में कोई बिजनेस हुआ है, कैन बी देयर फोर से इज देयर एनी बिजनेस दैट हैज टेकन प्लेस, एंड द आंसर इज नो, कोई भी बिजनेस हुआ नहीं दोनों के बीच में। और यही वजह है कि जो प्रॉफिट है जो इस लेग ऑफ ट्रांजैक्शन में आपको आया है, जहां पे आपने गुड्स भी खरीदा है एई से और वही गुड्स बेचा है एई को, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो भी प्रॉफिट बना होगा, दैट प्रॉफिट विल आल्सो बी अ पार्ट ऑफ द पैसिव इनकम, दैट प्रॉफिट विल आल्सो बी द पार्ट ऑफ द पैसिव इनकम, वो पैसिव इनकम का हिस्सा में ही जाएगा। लेकिन चेतावनी दे रहा हूं स्टूडेंट्स, अगर आपको ये क्वेश्चन में दिया जाए कि आपने खरीदा है गुड्स एई से और बेचा है गुड्स नॉन एई को और वाइस वर्सा, तो वो प्रॉफिट आप उसे पैसिव इनकम नहीं मानोगे, उस प्रॉफिट को आप पैसिव इनकम नहीं मानोगे। ये थोड़ा सा केयरफुल रहना आप लोग, सो दैट इज अ पॉइंट दैट यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, ठीक है। तो ये एक सिचुएशन है जो कि आप लोग ध्यान रखेंगे, तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट, नाउ आउटसाइड इंडिया में स्टूडेंट्स, आउटसाइड इंडिया में ये हो गया पैसिव इनकम। तो एक्टिव बिजनेस उस फॉरेन कंपनी का है या नहीं ये पता लगाना है आपको। तो क्या देखेंगे आप कि क्या उस फॉरेन कंपनी का पैसिव इनकम डज नॉट एक्सीड, क्या वो एक्सीड करता है मोर देन 50%। अगर वो एक्सीड करता है मोर देन 50% गए काम से, तब तो हम कहेंगे कि फॉरेन कंपनी यू आर नॉट सेटिस्फाइंग एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया टेस्ट। तो हमें देखना है कि इट शुड बी अप टू 50% बट नॉट मोर देन 50% आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया में स्टूडेंट्स कैसे पता चलेगा, स्टूडेंट्स आउटसाइड इंडिया में बिल्कुल अब्दुल, तो आउटसाइड इंडिया में कैसे पता चलेगा स्टूडेंट्स, इस केस में इसमें तीन टेस्ट हम देखेंगे। आउटसाइड इंडिया के लिए तीन टेस्ट होगा, कौन सा वो टेस्ट है, एक है आपका एसेट टेस्ट, एक है आपका एम्प्लॉय टेस्ट, और तीसरा है आपका पेरोल टेस्ट। पेरोल टेस्ट, तीन टेस्ट है ये, और इन तीनों टेस्ट में स्टूडेंट्स इंडिया का एक्सपोजर जो होगा, इंडिया का जो एक्सपोजर होना चाहिए शुड बी लेस देन 50%। तो ये तीनों टेस्ट में स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो तीन टेस्ट जो दिए गया, एसेट टेस्ट, एम्प्लॉय टेस्ट एंड द पेरोल टेस्ट, तो यहाँ पे द एक्सपोजर इन इंडिया इसका जो होगा, द एक्सपोजर इन इंडिया शुड बी हाउ मच, इन इंडिया शुड बी लेस देन 50%, शुड बी लेस देन 50%, ये तीनों टेस्ट का जो एक्सपोजर होगा इंडिया में शुड बी लेस देन 50%।
अब ये प्राइमरी क्या है, एक एक करके जल्दी से देख लेते हैं। एसेट इन इंडिया, एसेट इन इंडिया, इस सिचुएशन में फ्रेंड्स नोटिस करना, जहां तक एसेट इन इंडिया की अगर हम बात करें, फॉर एसेट ओनली, इसमें आप जैसे कि इंडियन एसेट कंपेयर्ड विद दी वर्ल्ड एसेट, जो टोटल एसेट है, तो इंडिया का जो इंडिया का जितना उसका एसेट का प्रेजेंस है शुड बी लेस देन 50%। अच्छा, ये जो इंडिया का जो एसेट की जो मैं बात कर रहा हूं, वो क्या वैल्यू में है या नंबर्स में है? क्या ये वैल्यू में उसको देखा जाएगा या उसका नंबर देखा जाएगा? क्या काउंटिंग देखी जाएगी या उसकी वैल्यू देखी जाएगी? तो ये दो ऑप्शन आपको दे रहा हूं, बताओ क्या देखेंगे आप? उसकी काउंटिंग देखी जाएगी कि इंडिया में टोटल नंबर ऑफ एसेट कितने हैं एज कंपेयर टू द टोटल नंबर ऑफ एसेट ऑफ द फॉरेन कंपनी। क्या काउंटिंग नंबर देखा जाएगा या वैल्यू देखी जाएगी? ये है क्वेश्चन स्टूडेंट, जल्दी बताओ। सारे स्टूडेंट्स से चलो ये चीज सही बताया, वैल्यू देखेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो स्टूडेंट्स आप लोग कि हम लोग जो देखेंगे वो वैल्यू देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज मैं आपको बता दूं इस कॉन्टेक्स्ट में, वैल्यू देखेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में, इन टर्म्स ऑफ द वैल्यू। बिल्कुल सही कहा आप सभी लोगों ने, वैल्यू में ध्यान रखना स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। डेप्रिशिएबल एसेट, तो एसेट में इसके इसका दो केस है, सो देयर आर टू केसेस इन एसेट एंड दीज टू केसेस आर, वन इज डेप्रिशिएबल और दूसरा क्या है नॉन डेप्रिशिएबल। या उसको अदर एसेट बोल दो, ठीक है। बिल्कुल सही कह रहे हो स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट ने सही जवाब दिया। डेप्रिशिएबल एसेट अगर होगा तो आपको लेना पड़ेगा इसकी एवरेज वैल्यू, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग वैल्यू, एवरेज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग वैल्यू की आपको एवरेज लेनी है, इसका आपको एवरेज लेना है। और जहां तक ये जो आपका नॉन डेप्रिशिएबल एसेट होगा, फॉर द नॉन डेप्रिशिएबल एसेट जो आपका है इस कॉन्टेक्स्ट में, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग वैल्यू वो आपको इसकी एवरेज लेनी है, और नॉन डेप्रिशिएबल एसेट जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ बुक वैल्यू ले लेना आप लोग एज ऑन द लास्ट डेट, एज ऑन द लास्ट डेट। स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज बताऊं, ये वाला ना 6C में बहुत टाइम पे पूछा हुआ क्वेश्चन है, जहां तक पेपर नंबर 7 की बात है वो इसमें अभी तक आए नहीं है, लेकिन आ सकते हैं, जहां पे आपको ये ओपनिंग और क्लोजिंग का टेबल आपको दे दे, ठीक है। तो जहां तक ओपनिंग और क्लोजिंग है, तो जो डेप्रिशिएबल एसेट होगा, मतलब कि मान के चलो आप बोलोगे डेप्रिशिएबल एसेट का मतलब, अरे भाई जो पीजीबीपी में हम लोग जो ब्लॉग बनाते हैं वही पकड़ लो आप, तो उसका 1 अप्रैल की वैल्यू लेंगे और आप लेंगे 31 मार्च की वैल्यू, 1 अप्रैल एंड 31 मार्च की वैल्यू लेना, और इसका आप अल्टीमेटली एवरेज कर देना डिवाइड बाय 2, और वो वैल्यू को आप लेंगे, तो इंडिया के एसेट का भी एवरेज लोगे और फॉरेन कंपनी का टोटल एसेट का भी आपको एवरेज लेना पड़ेगा। इंडिया के एसेट का भी आपको एवरेज उसकी वैल्यू लेनी पड़ेगी, और फॉरेन कंपनी का टोटल जो एसेट है उसका उसका भी आप एवरेज लोगे, कंपेयर कर लो, फिर मिल जाएगा, पता लगा लेगा कि ये लेस देन 50% है या नहीं, इस तरीके से आपको पता लगाना है। और जहां तक प्राइमरी नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है, जैसे कि एग्जांपल दूं तो लैंड हुआ, दूसरा एग्जांपल आपका है डेटर्स हुआ, स्टॉक इन ट्रेड हुआ, ये भी तो सारे एसेट्स ही है ना एट द एंड ऑफ द डे, और ये सारे नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट हुए, तो ये सारे सारे जो एसेट्स हैं, तो आप इसका भी क्या, इसका क्या करेंगे आप, बुक वैल्यू लेंगे। किसका बुक वैल्यू लोगे? इंडिया में जो उसके एसेट्स हैं उस फॉरेन कंपनी के, ये सारे एसेट्स, और कंपेयर करेंगे विद व्हाट, विद द टोटल एसेट्स, वो भी जो रहेगा उसका, वो सबका, और फिर आप पता लगाओगे स्टूडेंट्स, क्या पता लगाओगे, टोटल आपने जब कर लिया, इसका टोटल कर लो आप लोग, तो इंडिया का आप इसका भी टोटल एक कर लेंगे, इनका और इनका और इसका, और टोटल भी आप निकालना है इनका और इनका, तो जो भी बनेगा फिर एट द एंड ऑफ इट, तो इंडिया का और ये टोटल, तो जो भी है ये एक्स मैं लिखता हूं और इसको वाई लिखता हूं, ठीक है, एक्स एंड वाई, एंड एक्स डिवाइडेड बाय वाई अगर ये लेस देन 50% है, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, ये एसेट टेस्ट, ये एसेट टेस्ट क्या है, फुलफिल सेटिस्फाई हो जाएगा, ये एसेट टेस्ट क्या है, सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो इंडिया का आपने डेप्रिशिएबल एसेट जो लेनी है, प्लस आपको नॉन डेप्रिशिएबल एसेट का तो सिर्फ बुक वैल्यू लेना है,
नॉन डेप्रिशिएबल एसेट का आपको सिर्फ बुक वैल्यू लेना है, तो वो मैं उसको उसका एवरेज सिर्फ डेप्रिशिएबल एसेट का लोगे, और जहां तक बुक वैल्यू नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है उसका सिर्फ आपको बुक वैल्यू लेना है, तो वो करके टोटल कर देना इंडिया का एक्स आ गया। उसी तरीके से जो उस फॉरेन कंपनी का टोटल एसेट है, टोटल का मतलब क्या होगा, इंडियन प्लस नॉन इंडियन एसेट, तो उसका टोटल का भी आपको उसी तरीके से प्रक्रिया आपको करनी पड़ेगी। और ये वाई मैंने लिखा है, और एक्स डिवाइडेड बाय वाई परसेंटेज देख लो कि क्या ये लेस देन 50% आता है। अगर आता है तो इंडीड वी विल से व्हाट द एसेट टेस्ट इज सेटिस्फाइड। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल अब्दुल, ये चीज ये एज पर द ये इन्होंने पूछा है कि सर ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू लेनी है हमें, ये टैक्स का हमें लेना पड़ेगा, इनकम टैक्स के हिसाब से लेना पड़ेगा, ये उस फॉरेन कंट्री में, वो फॉरेन कंपनी ना एट द एंड ऑफ द डे, तो उस फॉरेन कंट्री में अपने इनकम टैक्स में क्या वो रिपोर्ट करता है, जो उसने रिपोर्ट किया होगा फॉर इनकम टैक्स पर्पस, तो वो क्या वैल्यू पे उसने रिपोर्ट किया है वो है। लेकिन कुछ ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे इनकम टैक्स नहीं होता है, तो वहां पे क्या होगा, उसने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या अल्टीमेटली वैल्यू रिपोर्ट की है फॉर दोज डेप्रिशिएबल एसेट एज ऑन द ओपनिंग डे एज ऑन द क्लोजिंग डे, तो उसकी आपको एवरेज लेनी है। बट अदरवाइज जनरली आपको इनकम टैक्स पर्पस के लिए उसने क्या वैल्यू रिपोर्ट कर रखी है आपको वो लेना है। अगर उस कंट्री में, उस फॉरेन कंपनी जिस कंट्री में इनकॉर्पोरेटेड है, अगर उस कंट्री में इनकम टैक्स नहीं लगता है, तो फिर उस पर्टिकुलर केस में आपको क्या लेना पड़ेगा, वैल्यू एज रिपोर्टेड फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वैल्यू एज रिपोर्टेड फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये होगा, बिल्कुल दिनेश बिल्कुल सही। एक्सपोजर इन इंडिया का मतलब है जो उसका उसकी एल्टीमेटली प्रेजेंस इन इंडिया, ठीक है, बिल्कुल सही कहा अब्दुल, बिल्कुल सही कह रहे हो। एम्प्लॉय टेस्ट में क्या देखोगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, थोड़ा सा केयरफुल रहना स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक पॉइंट पे आपको सावधानी बरतनी है, एम्प्लॉय टेस्ट में और पेरोल में। पहले तो एम्प्लॉय टेस्ट में यहाँ पे नंबर देखा जाएगा, तो इस केस में जहां तक एम्प्लॉय की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे नंबर देखोगे, यहाँ पे वैल्यू देखा जाएगा, और वैल्यू कैसे देखेंगे वो आपको बता दिया, और यहाँ पर भी वैल्यू देखी जाएगी, ठीक है। जहां तक एम्प्लॉय के कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो बहुत चालाकी कर सकता है फॉरेन कंपनी, बहुत चालाकी कर सकता है, यहाँ पे फॉरेन कंपनी एक चालाकी कर सकता है जो मैं आपको बता देता हूँ। आप बोलोगे कि क्या चालाकी करेगा इस कॉन्टेक्स्ट में, तो वो चालाकी स्टूडेंट्स ये होगी कि वो क्या करेगा कि इंडिया में जो वो एम्प्लॉयमेंट जो देता है उसको वो अपने पेरोल पे नहीं रखेगा। जैसे कि बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी ये करती है, मुझे पता है, लाइक जॉनसन एंड जॉनसन, जब मैं जॉनसन एंड जॉनसन में अगर मैं जॉब में जाता हूँ, तो जॉनसन एंड जॉनसन वो अपने पेरोल पे नहीं रखते हैं, वो किसी एक मैन पावर रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू से आपको क्या करेंगे, रिक्रूट करवाएंगे, ताकि आप उनके पेरोल पे रहोगे। और होगा क्या कि हर महीने की जो आपकी तनख्वाह है वो उस एजेंसी को दोएंगे अलॉन्ग विद देयर कमीशन, और वो एजेंसी फिर आपको क्या है तनख्वाह देगी। ऐसा वो क्यों करते हैं, क्योंकि वो आपको पेरोल में इसके लिए नहीं डालना चाहते हैं यहाँ पे, ताकि रिटायरमेंट बेनिफिट का झंझट और बोझ हम पे ना आ जाए। तो इस वजह से वो क्या करते हैं कि वो रिक्रूटमेंट एजेंसी को बोलते हैं कि हमें ये रिक्वायरमेंट है कैंडिडेट का, आप पकड़े और उसको हमें दे दें, और हम हर महीने की उसकी जो सैलरी है वो आपको देंगे, और आप फिर उनको सैलरी दे देना। तो अगर ऐसा हुआ तो होगा क्या, फॉरेन कंपनी बोलेगा कि भाई मेरा इंडिया में तो कोई एम्प्लॉय है ही नहीं, ये भी तो मुमकिन है, वो बोल सकता है आर्ग्यूमेंट चेक में कि मेरे पेरोल में कोई भी नहीं है एम्प्लॉय इंडिया में, लेकिन आपका इंडिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जो कि रिक्रूटेड है, किसके थ्रू से, दे आर रिक्रूटेड थ्रू थ्रू दिस मैन पावर रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो अगर इस अरेंजमेंट के जरिए अगर आपने क्या किया, रिक्रूटमेंट करवाई है, तो वो सारे एम्प्लॉय जो कि पेरोल में किसके हैं ऑफ दैट मैन पावर रिक्रूटमेंट एजेंसी, उसे आपका एम्प्लॉय इंडिया का माना जाएगा, उसे आपका एम्प्लॉय इंडिया का माना जाएगा, दिस इज व्हाट द प्रोविजन सेज। तो वो सब एम्प्लॉय को भी आपको कंसिडर करना है जो आपके पेरोल पे तो नहीं है, बट दे आर परफॉर्मिंग द फंक्शंस ऑफ एन एम्प्लॉय, दे आर परफॉर्मिंग द फंक्शंस ऑफ एन एम्प्लॉय, तो उन्हें भी आपको कंसिडर करना होगा, दैट इज वन। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये एम्प्लॉय के टेस्ट में ये ट्विस्ट है, एम्प्लॉय के टेस्ट में ये ट्विस्ट आपको मिलेगा। सेकेंड इज अबाउट द पेरोल टेस्ट। अब बोलो ये पेरोल टेस्ट फिर क्या है, तो पेरोल में तो वैल्यू देखना है, जो उनको आप सैलरी देते हो, तो वो जो इंडियन एम्प्लॉयज हैं उनको आप कितनी तनख्वाह देते हो एज कम्पेयर टू द टोटल पेरोल एक्सपेंडिचर ऑफ दैट फॉरेन कंपनी। तो अगर ये इंडिया का जो पेरोल एक्सपेंडिचर वीज अ वीज द टोटल पेरोल एक्सपेंडिचर ऑफ द फॉरेन कंपनी डज नॉट एक्सीड, डज नॉट एक्सीड व्हाट
50%, तो उस केस में भी हम कहेंगे द सेम थिंग. व्हाट इज दैट? कि द पेरोल कंडीशन इज ऑल्सो सेटिस्फाइड, एंड इफ द पेरोल कंडीशन स्टूडेंट इज ऑल्सो सेटिस्फाइड, तो फिर उस सिचुएशन में बताइए क्या कहा जाएगा? दैट द ए बी ओ आई टेस्ट, द ए बी ओ आई टेस्ट इज फुल्ली सेटिस्फाइड. तो एक चीज नोटिस करना स्टूडेंट्स, लास्ट पर्टिकुलर पॉइंट बता रहा हूं यहां पे, कि एक्टिव बिजनेस ये वाला देखना है आपको, और आउटसाइड इंडिया में तीन चीज देखने हैं, और तीनों ही क्राइटेरिया सेटिस्फाई. ये चार, एक्टिव बिजनेस का पैसिव इनकम शुड नॉट बी मोर देन 50%, और आउटसाइड इंडिया में ये तीन टेस्ट, तो 1 + 3 टोटल 4, ये चारों ही कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए, तब जाके हम कहेंगे कि उस फॉरेन कंपनी की एबीओआई टेस्ट सेटिस्फाई हो रही है. और अगर एबीओआई सेटिस्फाई हो रही है, तो फिर उस पर्टिकुलर केस में उसकी पोयम कहां मानी जाएगी ये दिखाया गया है, और अगर एबीओआई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो उसकी पोयम कहां मानी जाएगी ये आपको बताया गया है. उसकी पोयम कहां मानी जाएगी ये आपको बताया गया है. दिस इज हाउ यू हैव टू डील विद इट. डिड यू ऑल गॉट दिस वन स्टूडेंट्स? ठीक है, अब अगर कोई क्वेरी अगर होगा तो आप पूछें, इसमें कोई भी अगर क्वेरी होगा इसमें आप लोग पूछ लें, और फिर हम लोग आगे फिर प्रोसीड करते हैं. यू कैन आस्क मी द क्वेरी ऑन दिस क्विकली. अब्दुल ने कहा क्या ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई क्यूमुलेटिव बेसिस पे करना है? बिल्कुल करना है. एक भी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होगी तो फिर हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे आपको फिर देखना पड़ेगा, दैट ए बी ओ आई इज नॉट सेटिस्फाइड. कोई भी एक भी अगर स्टार में से कोई भी एक डिफॉल्ट अगर हो जाए तो हम कहेंगे कि ए बी ओ आई इज नॉट सेटिस्फाइड. बताइए स्टूडेंट्स, और बाकी बताओ जल्दी से कुछ, और अब बताओ इसमें कुछ पूछना है तो बताएं. इसमें एक चीज आप लोग नोटिस करना स्टूडेंट्स, जहां तक पैसिव इनकम है ना, वहां पे लेस देन और इक्वल टू 50% है. पैसिव इनकम में क्या है? लेस देन और इक्वल टू 50% है, जबकि यहां पर नोटिस कर रहे हो आप लोग, ये लेस देन है, ये लेस देन, ये इसमें बहुत खतरा है प्राइमरी. ठीक है सर, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर और एम्प्लॉयज कवर्ड इन एम्प्लॉय, बिल्कुल बिल्कुल. कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर और एम्प्लॉयज, मैंने जैसे कहा ना कि विच परफॉर्म द सेम फंक्शन, जो मेरा एग्जाम्पल था, मैंने जो एग्जाम्पल दिया अब्दुल, वो कॉन्ट्रैक्चुअल का ही तो था. अजय छाबरा, एसेट इंक्लूड ऑल द एसेट्स, डेप्रिशिएबल एज वेल एज नॉन डेप्रिशिएबल, डेप्रिशिएबल एज वेल एज नॉन डेप्रिशिएबल. और अगर वो डेप्रिशिएबल होगा तो कैसे करना है, और नॉन डेप्रिशिएबल होगा तो उसकी बुक वैल्यू लेनी है एज ऑन द लास्ट डेट. ठीक है हर्षिता, मैं फिर से एक बार बता देता हूं, ये एसेट वाली वैल्यू वाला कंडीशन यहां पे गलती नहीं होनी चाहिए. देखिए डेप्रिशिएबल एसेट अगर होगा आपका, लास्ट टाइम सुन लीजिएगा आप लोग, एसेट टेस्ट मतलब क्या कहा मैंने, कि जो इंडिया में जो उसकी जो एसेट की एक्सपोजर है शुड बी लेस देन 50% ऑफ द टोटल एसेट ऑफ द फॉरेन कंपनी. ठीक है, ऑफ द टोटल एसेट ऑफ द फॉरेन कंपनी, ये मैंने कहा आपको. तो अब ये जो एसेट की एक्सपोजर का मतलब क्या है, वैल्यू के हिसाब से देखा जाएगा. वैल्यू क्या माना जाएगा, तो देखिए एसेट को मैंने दो हिस्सों में तोड़ दिया, पहले डेप्रिशिएबल, तो क्योंकि उसमें वैल्यू अलग होती है, नॉन डेप्रिशिएबल उसमें वैल्यू अलग होती है. जहां तक डेप्रिशिएबल है तो उसमें आप लोगे क्या, लोगे ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दैट डेप्रिशिएबल एसेट, उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस का एवरेज. अच्छा, ये जो वैल्यू जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये पहले प्राथमिकता दोगे जो वो फॉरेन कंपनी इनकम टैक्स पर्पस के लिए जो वैल्यू रिपोर्ट कर रहा है ऑफ दैट डेप्रिशिएबल एसेट, आप उसको प्राथमिकता देंगे, एंड दैट इज व्हाट यू आर सपोज टू डू. तो इसी वजह से अगर वो डेप्रिशिएबल एसेट है, देन यू विल टेक द एवरेज ऑफ द ओपनिंग प्लस द क्लोजिंग बैलेंस, उसकी एवरेज ले लो तो वो आपको मिल जाएगा डेप्रिशिएबल एसेट का. और नॉन डेप्रिशिएबल एसेट की अगर होगी तो आपको सिर्फ बुक वैल्यू लेना है. और नॉन डिप्रिशिएबल एसेट का मैंने एग्जांपल तो दे दिया था, लैंड है, डेटर्स है, इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक एंड ट्रेड है, इस तरीके से. तो उसकी बुक वैल्यू लेना है एज ऑन द लास्ट डेट. ठीक है, अच्छा ये जो आपको वैल्यू लेने हैं, इंडिया के लिए भी वैल्यू निकालना है और टोटल एसेट्स भी निकालना है, क्योंकि हमें देखना है कि इंडिया का जो टोटल वैल्यूज है
वो होना चाहिए लेस देन 50% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द एसेट ऑफ दैट फॉरेन कंपनी। तो इस वजह से इंडिया का भी आप डेप्रिशिएबल एसेट कितने हैं वो उसका एवरेज निकालो, और फिर बुक वैल्यू जो इंडिया के दूसरे एसेट से है उसका बुक वैल्यू लेंगे एज ऑन द लास्ट डेट, और फिर उसके बाद आप उसका इंडिया का टोटल ले लेंगे, एवरेज प्लस द बुक वैल्यू उसका टोटल ले लेंगे, और टोटल एसेट ऑफ दैट फॉरेन कंपनी उसका आप उसी तरीके से इसको वाई बना दिया आपने, और फिर बाद में एक्स डिवाइड बाय वाई, और देखो परसेंटेज कितना आ रहा है। इफ इट इज लेस देन 50% तो अकॉर्डिंगली ये एसेट टेस्ट सेटिस्फाइड हो गया है। लेकिन सिर्फ एसेट टेस्ट से तो काम नहीं चलेगा, आपको बाकी भी सारे टेस्ट सेटिस्फाई करने हैं, तब जाके ही हम कहेंगे कि द ABOI कंडीशन इज सेटिस्फाइड। और उसमें से कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होता है तो फिर हम कहेंगे द ABOI टेस्ट इज नॉट फुलफिल्ड। डिड यू ऑल गॉट दिस स्टूडेंट्स? अब बताओ जल्दी से। राम ने पूछा है कि चार कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं, ठीक है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग उन्होंने कहा कि सर क्या होता है कि चार कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, ऑल द फोर कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, ये राम ने कहा, लेकिन मेजोरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग कहां पे हो रहा है? इंडिया में हो रहा है, तो वो जो प्रिजम्पशन है वो टिकता ही नहीं है। ये प्रिज्यूम कर रहे हैं ना, पोएम प्रिज्यूम करेंगे आउटसाइड इंडिया, अगर वो प्रिजम्पशन तभी टिकेगा अगर मेजोरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग आउटसाइड इंडिया होंगे, लेकिन अगर मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग इंडिया में हो रहा है ये प्रिजम्पशन टिकेगा नहीं। इसका मतलब क्या होगा? वो फॉरेन कंपनी बन जाएगा इंडिया का रेसिडेंट, वो फॉरेन कंपनी बन जाएगा इंडिया का रेसिडेंट, ठीक है। व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम? एवरी प्रीवियस ईयर अजय, एवरी प्रीवियस ईयर, एवरी प्रीवियस ईयर आपको टेस्ट ये रखना पड़ेगा, और उस पूरे प्रीवियस ईयर का इनकम, तो ये इनकम हो गया ना, ये उस पूरे प्रीवियस ईयर का इनकम और उस एसेट की वैल्यू, तो आपको तो एसेट की वैल्यू पता चल जाता है, इजंट इट? ये पूरे प्रीवियस ईयर का, उसमें 31 मार्च को आपको देखना है, 31 मार्च तक का क्या पोजीशन है। चलिए स्टूडेंट्स, अब ये रेसिडेंशियल स्टेटस प्राइमरी कंप्लीट हो चुका है, और अब हम लोग चलते हैं अपने अगले पड़ाव में, और वो होगा इनकम डीम्ड टू अक्रू होराइज़न इन इंडिया। फाइन, अगर ये क्लियर है तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ स्टूडेंट्स नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट में। ये चेकलिस्ट मैंने तैयार कर ली है आपकी एनआर टैक्सेशन की, अभी भी बता रहा हूँ जो स्टूडेंट्स कुछ नए जुड़े हैं, जो न्यू कोर्स के स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए अलग से स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, अलग से स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं उनके लिए मैं क्लास अलग से वो वाला दूंगा। तो ये अभी जो लेक्चर चल रहा है वो ओल्ड और न्यू दोनों के लिए है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग आते हैं स्टूडेंट्स इनकम डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया। ये भी एक बहुत एक क्रिटिकल एरिया है, इनकम डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया। सेक्शन 9 में आते हैं स्टूडेंट्स। सेक्शन 9 में प्राइमरली क्या होगा? आपको यहां पे जो क्लॉज है सेक्शन 9 के, पहले वो बता दो, इसमें जो सबसे क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान देना है और बहुत इंपॉर्टेंट होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये थोड़ा क्रिटिकल है, केयरफुल रहिएगा स्टूडेंट्स, घायल हो सकते हो यहां पे एग्जामिनेशन में। सेक्शन 9, सेक्शन 9(1) ही है एट द एंड ऑफ द डे, लेकिन इसके जो क्लॉजेस है इस पे थोड़ा नजर बना के चलना। 9(1)(1), 9(1)(1) ये सबसे क्रिटिकल है होगा, और इसके अंदर टेक्निकली देर आर थ्री। 9(1)(1) में एक तो है बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, दूसरा तो इनकम डीम टू अक्रू इन इंडिया, इनकम डीम टू अक्रू इन इंडिया। तो एक आ रहा है आपका बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, दूसरा है आपका एसेट और प्रॉपर्टी, दूसरा क्या है एसेट और प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया, और आखिरी में आ रहा है आपका स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, लास्ट पर्टिकुलर पॉइंट बता रहा हूं आपको, लास्ट पर्टिकुलर पॉइंट ध्यान से देखना, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया, सिचुएटेड इन इंडिया, ठीक है, यहां तक ठीक चल रहा सब लोग? अच्छा, पहले ही मैं आपको वो वोडाफोन का केस जो ओवरऑल हुआ है उसके बारे में थोड़ा बता दूं, क्योंकि वो समझने में
आप शायद बोलते ना कि ये असली तरीके से इसको समझने में हो सकता है कि आपका दिमाग का वो हो जाए और ATU के डिडक्शन के लिए आप क्वालिफाई हो जाए, ये भी मुमकिन है स्टूडेंट्स। उसके लिए भी तैयारी रखनी पड़ती है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये समझने के बाद हम ATU के लिए एलिजिबल तो नहीं है, ये पता लगाना भी जरूरी है। तो बीच बीच में पता लगा लिया करो कि ATU के लिए कभी हम एलिजिबल हो जाते हैं। चलिए अब पहले आपको मैं बता देता हूँ, एसेट ऑफ प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया। स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल दूंगा आपको, थोड़ा समझना इसको, और किस तरीके से ICAI आपको दिन में तारे दिखा सकता है वो प्राइमरी में आपको बता देता हूँ। पहले दिन में तारे कैसे एग्जामिनेशन में दिखते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। तो उस केस में थोड़ा सा ध्यान देना, एसेट ऑफ प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया। स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है, व्हाट हैपेंस इज इन दिस केस, एक फॉरेन कंपनी, मैंने एक एग्जाम्पल हमेशा शुरू करता हूँ, एक फॉरेन कंपनी है ब्रिटिश एयरवेज, दूसरी और एक फॉरेन कंपनी है केनिया एयरलाइंस, दोनों ही नॉन रेसिडेंट है, ध्यान रखना दोनों ही नॉन रेसिडेंट है। अब क्योंकि ये दोनों ही नॉन रेसिडेंट हैं, और क्या है कि केनिया एयरलाइंस ब्रिटिश एयरवेज के साथ एक एग्रीमेंट साइन करती है, और उस एग्रीमेंट के जरिए जो ब्रिटिश एयरवेज का इंडिया में, इंडियन एयरपोर्ट्स में, जो इंडिया के एयरपोर्ट में उनके जो लैंडिंग इक्विपमेंट्स है, जैसे प्लेन लैंड होता है और टेक ऑफ होता है, तो जो इक्विपमेंट्स जो उनके एयरपोर्ट में है उसको केनिया एयरलाइंस इस्तेमाल कर सकता है अपने एयरक्राफ्ट, उनके खुद के एयरक्राफ्ट जब इंडिया में आएगा तो उस सिचुएशन में वो ब्रिटिश एयरवेज का लैंडिंग इक्विपमेंट्स को इस्तेमाल करेगा, और वो इक्विपमेंट को इस्तेमाल करने के लिए केनिया एयरलाइंस ब्रिटिश एयरवेज को एवरी मंथ $25,000 देगा। ठीक है, ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है क्वेश्चन का। ये पैसे कहाँ दिए जाएंगे, यूके में दिए जाएंगे, लंदन में दिए जाएंगे। एग्रीमेंट कहाँ पे साइन हुआ है, ये एग्रीमेंट भी यूके में साइन हुआ है। क्या केनिया एयरलाइंस का फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में है, ऐसा कोई फिजिकल प्रेजेंस उसका इंडिया में नहीं है, बस उसकी एयरक्राफ्ट इंडिया में आती है और जाती है। तो क्वेश्चन आपको ये पूछा जाएगा कि केनिया एयरलाइंस जब $25,000 वो ब्रिटिश एयरवेज को पे करता है, तो क्या उस पेमेंट पे केनिया एयरलाइंस TDS डिडक्ट करेगा अंडर सेक्शन 195। ये होगा आपका क्वेश्चन एग्जामिनेशन का, सेक्शन 195 में क्या वो TDS डिडक्ट करेंगे या नहीं, जल्दी बताओ। TDS डिडक्ट होगा स्टूडेंट्स, तेजी से बताइए अपने आंसर्स। शालनी, दिनेश, रोहित, पीयूष, तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, हर्षिता, अब्दुल, तो यहां पे सेक्शन 195 क्या कहता है पहले वो देख लेते हैं, और फिर अकॉर्डिंगली मैंने आपको क्या बताया था, ICAI यही गेम खेलता है। हर स्टूडेंट्स के दिमाग में ये लगता है कि यार 195 का क्वेश्चन है, ये तो मैं छोड़ के गया था। 195 का क्या है मालूम है, ये क्वेश्चन में तड़का लगाया गया है, ये ऊपर से एक आइसिंग किया गया है, तड़का लगाया है 195 का, लेकिन है असली में ये क्वेश्चन सेक्शन 9 का। ये भी पता लगाना कि ये किस पर्टिकुलर एरिया से क्वेश्चन पूछा है, ये भी उतना ही क्रिटिकल है। 195 कहता क्या है कि वेयर अ पेमेंट इज मेड, वो पेमेंट किसका है, ऑफ इंटरेस्ट और एनी अदर सम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द एक्ट एक्सेप्ट सैलरी। तो पेमेंट किसका आपने किया है, वो नेचर ऑफ पेमेंट क्या है, इंटरेस्ट की पेमेंट आपने की है या कोई भी ऐसा सम जो कि इस एक्ट में चार्ज होता है एक्सेप्ट सैलरी। ठीक है, किसको आपने पेमेंट किया है, टू अ नॉन रेसिडेंट, किसको आपने पेमेंट किया है, टू अ नॉन रेसिडेंट, देन द पेयर जो उस अमाउंट को जो पे कर रहा है, ही इज अंडर द ऑब्लिगेशन टू डिडक्ट द TDS एट द रेट इन फोर्स। सिंपल वर्ड में मैंने कहा है, तो क्या आपने पे किया है इंटरेस्ट या एनी अदर सम विच इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द एक्ट, किसको आपने पे किया है, टू द नॉन रेसिडेंट। तो
अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो फिर उस केस में जो भी रेट होगा एप्लीकेबल इन फोर्स, वो रेट के मुताबिक आपको पेयर को क्या करना पड़ेगा, टीडीएस डक करना पड़ेगा। तो बताएं जनाब, आपको क्या पता लगाना है? आपको तो यही पता लगाना है कि क्या ये जो सम जो पे किया गया है, इज इट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द एक्ट और नॉट, ये चीज आपको पता लगाना है। और उसको पता लगाने के लिए आप किस सेक्शन के दरवाजे खटखटाओगे, और आप किस सेक्शन के दरवाजे खटखटाने वाले हो, सेक्शन 9 के। और सेक्शन 9 में जाके कहां पर आप आ रहे हो, 911। 911 में कौन से क्लॉज में जाना है आपने, सेकंड क्लॉज। और वो क्या कह रहा है आपको, वेयर द पेमेंट इज इन रिलेशन टू एन एसेट और अ सोर्स सिचुएटेड इन इंडिया, देन द इनकम इज डीम्ड टू अक्रू राइज इन इंडिया, एंड इफ द इनकम इज डीम्ड टू अक्रू राइज इन इंडिया, तो क्या वो सेक्शन 5 के स्कोप में फॉल हो रहा है? एंड द आंसर इज यस, वो सेक्शन 5 के स्कोप में फॉल हो रहा है। और अगर वो सेक्शन 5 के स्कोप में फॉल हो रहा है तो फिर दैट पर्टिकुलर अमाउंट फॉल्स विद इन द स्कोप ऑफ द चार्जेबिलिटी अंडर द एक्ट। तो चार्जेबल है तो सेक्शन 90 195 का ऑब्लिगेशन क्या वो ट्रिगर करेगा? एंड अगेन आंसर इज यस। और ट्रिगर करने का मतलब है द पेयर ऑफ दैट अमाउंट, कौन है पेयर, केनिया एयरलाइंस, वो पेयर ऑफ द अमाउंट विल बी अंडर द ऑब्लिगेशन टू डिडक्ट द टीडीएस एट द रेट इन फोर्स। लेकिन एक दिक्कत आ रही है, वो ये कि इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में दोनों पेयर एज वेल एज पेई दोनों ही कौन है, नॉन रेसिडेंट। पेयर एज वेल एज पेई दोनों ही कौन है, नॉन रेसिडेंट। और इस वजह से एक शंका उत्पन्न होती है कि अगर पेयर नॉन रेसिडेंट है और किसको पे कर रहा है, टू अनदर नॉन रेसिडेंट, तो ऐसे हालात में भी क्या टीडीएस डिडक्ट करने की ऑब्लिगेशन बनेगी? जबकि जबकि क्या, जबकि ये नॉन रेसिडेंट पेयर का अपना इंडिया में कोई भी परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट या प्लेस ऑफ रेसिडेंट या प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है, तब भी क्या इस पेयर को टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत होगी? तो 195 स्टूडेंट्स, एक्सप्लेनेशन 2 के जरिए बताओ क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन 2 के जरिए ये कह रहा है कि अगर वो प्राइमरी कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है, बताओ वो प्राइमरी कंडीशन क्या है, द पेमेंट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इंटरेस्ट और एनी अदर सम विच इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द एक्ट। अगर ये प्राइमरी कंडीशन सेटिस्फाई अगर होता है, देन नॉट विथस्टैंडिंग क्या, नॉट विथस्टैंडिंग दैट द अमाउंट दैट नॉट विथस्टैंडिंग दैट बोथ द पेयर एंड द पेई आर नॉन रेसिडेंट, एंड ऑल्सो नॉट विथस्टैंडिंग दैट द पेयर नॉन रेसिडेंट, जो पे कर रहा है नॉन रेसिडेंट, डज नॉट हैव एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, रेसिडेंट इन इंडिया और एनी अदर फिजिकल प्रेजेंस इन इंडिया, द पेयर हैज टू डिडक्ट द टीडीएस। जो पेयर होगा उसे इसका टीडीएस डिडक्ट करना जरूरी है, ये मैंडेटरी है। तो उन्होंने ये खारिज कर दिया है, ये जो शंका आपके मन में थी कि भाई ये पेयर भी नॉन रेसिडेंट है और पेयर जो नॉन रेसिडेंट है उसका इंडिया में अपना कोई अस्तित्व नहीं है, तो ये जो शंका आपके दिमाग में आ रही थी कि टीडीएस डिडक्ट करे ना करे, वो एक्सप्लेनेशन 2 के जरिए उन्होंने पूरी ये शंका क्या कर दी है, दूर कर दी है। उन्होंने क्या बोला है कि आपको उस केस में भी टीडीएस डिडक्ट करना ही पड़ेगा, उस केस में भी टीडीएस डिडक्ट करना ही पड़ेगा। डिड यू ऑल गॉट दिस वन स्टूडेंट्स? आई बात समझ में आप सभी लोगों को? टीडीएस डिडक्ट करना ही होगा। डिड यू ऑल गॉट दिस वन? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन में, आप लोग केयरफुल रहना इस कॉन्टेक्स्ट में। ये ऐसे अब ये नहीं बोल रहा कि यही पूछे जाएंगे, बट माइंड आपकी डेवलप रहनी चाहिए, क्योंकि वही आपने स्टूडेंट एक चीज नोटिस किया होगा, पास्ट ईयर के अटेम्प्ट में प्राइमरीली ये भी जो पास्ट ईयर का जो अटेम्प्ट है उसमें आपने एक चीज नोटिस किया रहेगा, एनआर और ट्रांसफर प्लानिंग में हर एक टाइम पे नए क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं, वो नए क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं। आप जरा एमटीपी 1 देखना, जो अपनी मैंने एमटीपी दी है ना आप सभी लोगों को, एमटीपी 1 देखना, 1 तो वहां पे देखना, आपको खुद ही पता चल जाएगा अल्टीमेटली, चाहे कितने भी आपने किया हो हर एक टाइम में नए क्वेश्चंस, मैंने वहां पर नए क्वेश्चंस डाले। और बोलते हैं ना कि एक बार आप अपना आईना देख ही लोगे कि भाई ये वैसा नहीं है जो आप समझ रहे हो जिस तरीके से। तो यहां पे इस कॉन्टेक्स्ट में ये होगा रेट इन फोर्स। अच्छा दिनेश, आपने बोला था कि उन्हें कैसे पता चलेगा, देखो ये तो प्रैक्टिकल बातें हैं, इसमें ट्रीटी भी आ जाती है, रिकवरी इसमें सब ट्रीटी सब आती है, तो वो सब प्रैक्टिकल इश्यूज हैं, बहुत डिफिकल्ट है इस चीज में पता, ये टीडीएस की लायबिलिटी को रिकवर करना। लेकिन एक्ट के अंदर क्या प्रोविजन मौजूद है? एंड द आंसर इज यस।
रेट इन फोर्स में अब्दुल जो होगा वो ट्रीटी के जरिए ये रेट को कंपेयर किया जाएगा विद द एक्ट का जो रेट है, ठीक है, और उसमें से जो भी विच एवर इज मोर बेनिफिशियल वो होगा, इसमें ट्रीटी में आना पड़ेगा, इस वजह से रेट इन फोर्स, ठीक है। हाउ विल, पीयूष ने पूछा है, हाउ विल केनिया एयरलाइंस डिडक्ट टीडीएस एंड डिपॉजिट इन इंडिया, इट्स वेरी अनफेयर। मैंने वही कहा ना पीयूष, देखिए एक्ट में तो है, अब वो ऑब्लिगेशन कैसे पूर्ति होगी, वो जमीनी स्तर पे ये पॉसिबल इंप्लीमेंटेबल है या नहीं, ये दैट इज अ सेकेंडरी। गार प्रोविजन 2012 से है, लेकिन प्राइमरी वो इंप्लीमेंटेबल नहीं था, लेकिन प्रोविजन तो था प्राइमरी, इजंट इट, दैट एग्जैक्टली इज द पॉइंट। अभी जाके इंप्लीमेंटेबल हो गया है, तो इस सिचुएशन में ये प्रोविजन डाली गई है, और अगर उनको बाद में वो केनिया एयरलाइन से डिफॉल्ट करने की वजह से उनको पकड़ना होगा, तो वो ट्रीटी के जरिए ही, टैक्स रिकवरी का एक आर्टिकल है उसके जरिए पकड़ सकते हैं, तो वो वहां पे आपको देखना होगा, ठीक है। कृष्णा ने कहा से इसे इंडिया से क्या कनेक्शन है इस इनकम का, कृष्णा एसेट इंडिया में था ना, जिसकी वजह से ब्रिटिश एयरवेज को ये रेंट मिल रहा है, वो जो एसेट है, लैंडिंग इक्विपमेंट की लोकेशन कहाँ थी, कनेक्शन है एसेट जो कि इंडिया में सिचुएटेड है, और उसी के लिए क्या है ये एग्रीमेंट किया गया है, किसके बीच में, ब्रिटिश एयरवेज एंड केनिया एयरलाइंस, तो इसी वजह से क्या हुआ है, ये जो कनेक्शन जिसकी बात आप कर रहे हैं वो कनेक्शन है द एसेट व्हिच इज सिचुएटेड इन इंडिया। आई होप दैट ऑल ऑफ यू, कृष्णा यू आर क्लियर विद दिस, कनेक्शन पता चल गया कृष्णा आपको इंडिया से कनेक्शन का, नहीं अब्दुल ये वहां तक आपको पूछेंगे नहीं, वो ट्रीटी व्रीटी तक नहीं लेके जाना, जहां तक पीयूष ने क्वेश्चन पूछा है वो आपको ट्रीटी तक लेके नहीं जाएंगे, वो आपको एक्ट के अंदर ही रुका देंगे प्राइमरी, तो वहां पे आपको ये बोलना होगा कि क्या एक्ट में ये टीडीएस इसकी डिडक्ट होगी, तो आप बोलोगे हाँ होगी, कैसे होगी ये प्रोविजन मैंने बता दिया है हाँ ओल्ड कोर्स की तो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई बात समझ में कृष्ण आपको, बाकी और कोई स्टूडेंट कोई क्वेरी है तो चलिए आगे, नहीं तो बढ़ते हैं फिर। ठीक है चलिए अब आगे जाते हैं स्टूडेंट, आते हैं हम लोग सेकंड पॉइंट में, इनडायरेक्ट ट्रांसफर में। चलिए अगर ये वाला पॉइंट क्लियर है तो अब आएंगे हम लोग हमारे अगले बिजनेस करेक्शन में, थोड़ी देर बाद लूंगा क्योंकि वो हल्का है, जो थोड़ा सा भारी वाला वाला एरिया है उसको पकड़ लेते हैं। यहां पर आते हैं स्टूडेंट्स, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट्स सिचुएटेड इन इंडिया, लेट्स कम ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट। आइए स्टूडेंट्स, इसमें मैं केस स्टडी आपको दे रहा हूं, आप सभी लोग ये केस स्टडी लिख भी सकते हैं और इसमें पार्टिसिपेट करते रहना बराबर तरीके से। पहला केस स्टडी नंबर वन दे रहा हूं मैं, एक यूएसए का एक एंटिटी है एक्स आई एन सी डॉट, ये क्या कर रहा है, इंडिया में एक कंपनी है ए लिमिटेड, बहुत ही ए लिमिटेड का अच्छा ग्रोथ है, तो इसमें ये क्या करता है, 1 लाख शेयर इन्वेस्ट करता है, ये 1 लाख शेयर ये इन्वेस्ट करेगा एट डॉलर 10 पर शेयर में, ठीक है। ये पहला पॉइंट है कि 1 लाख शेयर इसने इन्वेस्ट किया है, क्या रेट में उसने इन्वेस्ट किया, एट डॉलर 10 पर शेयर, ये पहली पॉइंट है। दूसरी पॉइंट जो होगी, इसने बाद में क्या किया, कुछ समय बाद, क्योंकि इसको काफी पता था कि ये कंपनी बहुत आगे बढ़ेगी, कुछ समय बाद उसने यही शेयर्स सोल्ड टू वाई आई एन सी डॉट यूएसए, कितने में उसने इसको बेचा, प्राइमरली एट डॉलर 100 पर शेयर, एट डॉलर 100 पर शेयर। तो क्वेश्चन आपका आ चुका है, बताइए क्या ये जो कैपिटल गेन्स हुआ है उसको कितने का, 90 पर शेयर, कैपिटल गेन्स जो है 90 पर शेयर, वेदर इट इज टैक्सेबल इन इंडिया, वेदर इट इज टैक्सेबल इन इंडिया, ये है क्वेश्चन आपके लिए।
और अगर है तो उसका रीजन बताना है आपने, है या नहीं है ये पहले बताओ। और अगर जो कोई स्टूडेंट कह रहा है हाँ है, तो फिर मुझे रीजंस भी चाहिए, रीजंस के साथ। फिफ्टी फोर एफ कहां से आ गया अशोका? 54F कहां से आया? एग्जाम्स वाली बात ही नहीं होगी यहाँ पे। 47 में ये जो आप बोल रहे हो ना, मुझे लग रहा है अशोक आप कहाँ से कंफ्यूज हो रहे हो। एक 47 में है वो एडीआर और जीडीआर को लेके और कुछ बॉन्ड्स को लेके है, ठीक है? वो एडीआर जीडीआर और कुछ बॉन्ड्स को लेकर है। वो कॉन्टेक्स्ट में 47 में एक प्रोविजन है नॉन टैक्सेबल ट्रांसफर, जहां पे एक नॉन रेसिडेंट दूसरे नॉन रेसिडेंट को फाइनेंशियल एसेट इन द फॉर्म ऑफ एडीआर जीडीआर और नोटिफाइड बॉन्ड्स और डिबेंचर्स, वो अगर वो दूसरे नॉन रेसिडेंट को ट्रांसफर करता है आउटसाइड इंडिया, तो 47 के अंदर लिखा गया है द सेट ट्रांसफर विल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी अ टैक्सेबल ट्रांसफर। ये 47 का प्रोविजन है जो आप मुझे रेफर कर रहे हो। ठीक है, बिल्कुल सही कहा स्टूडेंट्स, और जान के बहुत खुशी हुई सारे स्टूडेंट्स ने लगभग सही आंसर दिया है। तो ये ध्यान रखना कि ये कैपिटल गेन्स इसी के लिए टैक्सेबल होगा बिकॉज मैंने क्या कहा स्टूडेंट्स, इनकम इज डीम्ड टू अक्रू राइज इन इंडिया। मैंने कहा ना आपको, इनकम इज डीम्ड टू अक्रू राइज इन इंडिया इफ इट इज इन रिलेशन टू, इन रिलेशन टू व्हाट स्टूडेंट्स? इफ इट इज इन रिलेशन टू द ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट विच इज सिचुएटेड इन इंडिया। तो आपको क्या पता लगाना है कि क्या वो कैपिटल एसेट इंडिया में सिचुएटेड है, ये आपको पता लगाना है। तो बताइए जनाब, इस पर्टिकुलर केस में मिस्टर एक्स एक्स आई एन सी डॉट ने क्या ट्रांसफर किया है? एक्स आई एन सी डॉट ने ट्रांसफर किया है द शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड। अच्छा, ए लिमिटेड क्या ये एक इंडियन इंडियन कंपनी है? ये इंडिया में, तो ए लिमिटेड क्या एक इंडियन कंपनी है? यस। तो बताएं जनाब, जो शेयर्स है विच इज द कैपिटल एसेट, द शेयर्स ऑफ अ कंपनी की लोकेशन कहां पे मानी जाती है? शेयर्स ऑफ अ कंपनी की लोकेशन कहां पे मानी जाती है? देन द शेयर्स ऑफ द कंपनी की लोकेशन वहां मानी जाती है इन द कंट्री ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। तो ए लिमिटेड का इनकॉर्पोरेशन कहां पे हुआ है? इन इंडिया। तो इस वजह से इसका शेयर का लोकेशन कहां पे माना जाएगा? इन इंडिया। और अगर इसकी लोकेशन इंडिया में माना गया है, तो फिर ए लिमिटेड ने एक ऐसा कैपिटल एसेट जो कि शेयर्स है उससे ट्रांसफर किया है जिसकी लोकेशन इन इंडिया है, एंड हेंस दी कैपिटल गेन्स विल बी डीम्ड टू अक्रू राइज इन इंडिया। ठीक है ना? तो आइए इंश्योरेंस, ये जो विशाल लिख रहे हैं अभी, ये सब अभी नहीं, इट डिराइव द वैल्यू फ्रॉम द एसेट, ये इनडायरेक्ट ट्रांसफर है। ये आप लोग कुछ स्टूडेंट्स हैं वो इनडायरेक्ट ट्रांसफर की तरफ बढ़ रहे हैं, मैं इनडायरेक्ट ट्रांसफर तक तो पहुंचा ही नहीं हूं, ये तो डायरेक्ट ट्रांसफर वाला केस है। इनडायरेक्ट ट्रांसफर वाला तो मैंने एग्जाम्पल अभी तक छुआ ही नहीं है, आपको आईसीआई इसी में घुमा देता है। डायरेक्ट ट्रांसफर में आप इनडायरेक्ट ट्रांसफर का आंसर लिख कर आओगे, वेयर द शेयर्स डिराइव इट्स वैल्यू सब्सटैंशियली फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट सिचुएटेड इन इंडिया, वो लिखना ही नहीं है, ये तो डायरेक्ट वाला केस है। और डायरेक्ट वाला अगर केस है तब क्या अल्टीमेटली हर जाए? तो लिखिएगा पॉइंट नंबर वन जल्दी से, एज पर सेक्शन 911 इनकम इज डीम्ड टू अक्रू और अराइज, लिखते रहिए, इन इंडिया इफ इट इज इन रिलेशन टू ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया। सेकेंड पॉइंट, पॉइंट वाइज लिखना है स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन में भी, जैसे मैं लिख रहा हूं ना ऐसे ही आप पॉइंट वाइज में लिखेंगे आंसर। पहले प्रोविजन और पहला पॉइंट में नियम, और सर पे अल्टीमेटली ये बांध लो नियम, पहले पॉइंट पे एग्जामिनर को आप बताओगे क्या प्रोविजन, बेकार की बातें नहीं करना है,
ये नहीं कि आप पहले ही वो जो केस स्टडी दिया है उसी को आप वापस से अपने वर्ड्स में लिख रहे हो पहले पॉइंट पे। अधिकतर स्टूडेंट्स की यही कमजोरी है, जो क्वेश्चन पूछा है वही अपने वर्ड में फिर से वो पहला पॉइंट पे लिखते हैं, इरिटेट हो जाता है एग्जामिनर स्टूडेंट्स। और इसी वजह से पहले पॉइंट पे आप डायरेक्टली हिट कीजिए, रेलेवेंट प्रोविजन हिट कीजिए और फिर बाद में उसको एक्सप्लेन करके आगे अपना आंसर कंक्लूड कीजिए। एकदम क्लियर है ना, ये चीज ध्यान रखना, DT, IDT, ऑडिट, लॉ, ये चारों पेपर में यही फंड आपको अपनाना है। इससे जरा भी आप भटके प्राइमरी, ध्यान रखना आपका मार्क्स सीधा कम हो जाएगा, ये मैं तुम क्लियरली बता रहा हूं। आगे लिखो, शेयर्स ऑफ अ कंपनी, इज सेड टू बी, सिचुएटेड इन अ कंट्री ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, देयरफॉर शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड इज सेट टू बी सिचुएटेड इन इंडिया। थर्ड पॉइंट, अकॉर्डिंगली इन द प्रेजेंट केस द कैपिटल गेन ऑफ $90 is deemed to accrue arise in India. ठीक है, ये आ गया। अभी तक मैंने वोडाफोन पकड़ा नहीं है, ये डायरेक्ट ट्रांसफर वाला केस था। डायरेक्ट ट्रांसफर वाला केस है, केयरफुल रहना स्टूडेंट्स। देखो छोटी छोटी केसेस में कैसे गलतियां, फाइनली आंसर तो आपका राइट था, फाइनल आंसर सर हमारा तो राइट है, हमने भी बोला था कि इट इज टैक्सेबल इन इंडिया, लेकिन वो प्रोसेस से जिस तरीके से आपने अपना फाइनल आंसर लाया वही गलत है। तो ये बहुत क्रिटिकल है कि फाइनल आंसर राइट से कोई मतलब नहीं, हमें वो प्रोसेस क्या था जिसके बेसिस पे आपने कंक्लूड किया कि ये भाई टैक्सेबल है इंडिया में, ये देखा जाएगा। तो यहीं पर मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट मैक्सिमम यहीं पर खत्म हो जाते हैं प्राइमरी। अब आते हैं केस स्टडी टू में, अब केयरफुल रहिएगा स्टूडेंट्स, अब जो आपकी जो मन की इच्छा थी वो मैं पूरी कर रहा हूँ। केस स्टडी टू, केयरफुल रहेंगे अभी आप सभी लोग केस स्टडी टू में। इसमें इंडिया है आपका ए लिमिटेड, वही कंपनी। अब एक्स INC जो था ना, वो उससे चालाकी कर दी, चालाक बन गया अब वो एक्स INC डॉट, काफी चालाकी का परिचय किया उस दिखाया उसने। क्या वो चालाकी की स्टूडेंट्स, उसको पता चल गया कि जैसे केस स्टडी वन में डायरेक्टली अगर मैं एक्सपोजर रखूं, डायरेक्टली अगर मैं एक्सपोजर रखूं, कहां पे एक्सपोजर रखेगा, ऑन इन ए लिमिटेड शेयर्स, तब तो क्या हो जाएगा, इट विल बी ऑल टैक्सेबल, तो टैक्स से बचा नहीं जा सकता। तो उस जनाब ने क्या किया, एक्स INC डॉट ने व्हाट ही डिड वाज, उसने कंपनी फ्लोट कर दी, कहां पे, सिंगापुर में, एक कंपनी है इन सिंगापुर, ठीक है, और वो कंपनी का नाम है ZPLC, एक कंपनी है सिंगापुर में, ध्यान रखना ZPLC, एक कंपनी फ्लोट किया है। देखिए पहला पॉइंट क्या किया उसने, इसके 10 लाख शेयर्स एट $10 पर शेयर, 10 लाख शेयर्स एट $10 पर शेयर्स, ये रेट पे उसने इसका एक्वायर कर लिया। अब आप बताओ स्टूडेंट, जब ये 10 लाख शेयर उसने लिया है, फिर आप बताएं जनाब इनकी PNL कैसे दिखेगी, बैलेंस शीट कैसे दिखेगी, इसके बेसिस पे अब इसकी बैलेंस शीट जरा देखना। तो शेयर कैपिटल इसका कितना है, $1 करोड़, यही है ना, शेयर कैपिटल $1 करोड़। अब इसने क्या किया, कैश एंड बैंक आ गई डॉलर में, कैश एंड बैंक $1 करोड़, फाइन। अब ये क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, अब इसी इसने क्या किया है,
ये 1 करोड़ का, अब आगे वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, केयरफुल रहिएगा स्टूडेंट्स, ये अब आगे इन्वेस्टमेंट करेगा, तो क्या किया उसने, इस 1 करोड़ का इसने इसका 80% उपयोग कहाँ पे किया है, ए लिमिटेड के शेयर में, और बैलेंस बैलेंस व्हाट 20%। स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा, मैंने एक एमटीपी में बहुत लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने रखा है प्राइमरी, उसकी तैयारी मैं यहां पर कर रहा हूं, आपको क्या करना है वो MTP1 का फिर आंसर ले लेना है, आंसर क्वेश्चन वहां पे जाके मैं सॉल्व करोगे आप लोग, MTP1 में सॉल्यूशन मैंने बताया 15 तारीख को मैं अपने टेलीग्राम में दे दूंगा सॉल्यूशन, लेकिन कोशिश तो पहले आप एक बार करोगे, मैं 15 तारीख को उसका सॉल्यूशन डाल दूंगा आपके लिए, ठीक है। अच्छा 20% उसने क्या किया है, वो फॉरेन एसेट पे उसने इन्वेस्टमेंट किया है, 20% उसने फॉरेन इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट किया है, 80% वो ए लिमिटेड में के शेयर्स में इन्वेस्ट किया और 20% ये फॉरेन एसेट में उसने इन्वेस्ट किया है, तो 1 करोड़ का अल्टीमेटली इन्होंने इस तरीके से अपनी कहानी को कंप्लीट किया है। दिस इज हाउ द थिंग्स हैज हैपेंड, ठीक है। तो दिस वाज द अप्रोच दैट ही हैज टेकन, तो ये मैं थर्ड पॉइंट लिख देता हूं एक तरीके से, तीसरा पॉइंट कि उसकी इन्वेस्टमेंट का पैटर्न क्या था, तो दिस वाज हिज इन्वेस्टमेंट पैटर्न। अब देखिए क्या हुआ है स्टूडेंट, इसका जो है ए लिमिटेड जो है आपके, इनका ग्रोथ रेट जो है वो है 40% का, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, इनकी ग्रोथ रेट ए लिमिटेड की, चौथा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट देखिए यहां पर मैंने तीसरा पॉइंट डाला है, तीसरा पॉइंट यहां पर है, चौथा पॉइंट में मैंने ये बोला है कि ए लिमिटेड की ग्रोथ रेट 40% है, उससे क्या होगा, 40% की ग्रोथ रेट का मतलब क्या होगा कि जो ए लिमिटेड का जो शेयर का जो प्राइस है, क्या आप मानते हो आप सभी लोग, उसका अपना शेयर का प्राइस वो मार्केट में ऊपर आ जाएगा, जब 40% का उसका अगर ग्रोथ रेट है तो क्या ए लिमिटेड की शेयर की प्राइस क्या ऊपर एक बहुत बड़ा उछाल लेगा, एंड द आंसर इज यस, ये बहुत ही बड़ा एक उछाल लेने वाला है ए लिमिटेड का अपना शेयर का प्राइस मार्केट में, और अगर ऐसा होता है तो बताइए जनाब क्या फिर फेयर मार्केट वैल्यू, ध्यान से सुनना, क्या फिर फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ZPLC's इन्वेस्टमेंट क्या वो भी बहुत तेजी से ऊपर बढ़ेगा, फेयर मार्केट वैल्यू जब ए लिमिटेड का अपना प्राइस मार्केट में बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, तो क्या FMV वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट, FMV वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ ZPLC क्या वो भी ऊपर जाएगा, बिल्कुल जाएगा, अगर FMV वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ ZPLC अगर ये ऊपर गया है, तो आप बताएं स्टूडेंट्स क्या इसका अपना शेयर का प्राइस भी क्या फिर वो ऊपर जाएगा, इसका क्या अपना शेयर का प्राइस भी क्या ऊपर जाएगा, एंड द आंसर इज यस, कैसे इसका शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा, क्योंकि इस ZPLC फॉरेन कंपनी के पास कुछ ऐसे एसेट्स हैं जिसकी वैल्यू बहुत ऊपर जा रही है, तो अगर वो फॉरेन कंपनी जो कि ZPLC है उसके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर ऊपर जा रही है, तो उसका फायदा ZPLC को अपने खुद के शेयर के प्राइस पे भी मिलेगा, और उसका फायर मार्केट वैल्यू ऑफ इट्स ओन शेयर वो भी बहुत ऊपर जाएगा, सो इफ द FMV वैल्यू ऑफ ये बढ़ गया है, तो अब देखो क्या होगा, ये XINC डॉट ये चालाकी करने वाला है, अब बताओ क्या चालाकी होगा, पॉइंट नंबर 5 यहां पे आएगा, पॉइंट नंबर 5 अब वो क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, ट्रांसफर ऑफ द शेयर्स, ट्रांसफर ऑफ द शेयर्स किसका शेयर्स अब वो ट्रांसफर कर रहा है, ऑफ द शेयर्स ऑफ ZPLC एट कितने में बेचा उसने, $100 per share, क्योंकि मार्केट में अब इसका 100 per share का वैल्यू हो चुका है स्टूडेंट्स, मार्केट में ZPLC की शेयर्स की प्राइस $100 चली गई है, और उसका योगदान ये $100 तक पहुंचने का इसमें कंट्रीब्यूशन किसका था, उसमें कंट्रीब्यूशन था उसके अपने इन्वेस्टमेंट का, जिसकी फेयर मार्केट की वैल्यू बहुत ऊपर चली गई है, जिसकी वजह से उसका अपना शेयर का प्राइस पे उसका इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, उसके इन्वेस्टमेंट में मेजर कंपोनेंट किसका था, इंडियन ए लिमिटेड के शेयर्स का, और इसी वजह से ये देखिएगा कि इसके पास कैपिटल गेन आ गया है $90 per share, तो ये $90 per share वाला जो कैपिटल गेन्स इसने अर्न किया है, वेदर कैपिटल गेन्स ऑफ $90 per share विल इट बी टैक्सेबल,
क्या ये इंडिया में टैक्सेबल होगा? ये है क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन अल्टीमेटली ये बनेगा। तो दिस इज योर क्वेश्चन दैट जो कैपिटल गेन है $90 पर शेयर, विल दिस बी टैक्सेबल इन इंडिया? दिस बिकम्स द इशू अंडर कंसिडरेशन। डिड यू ऑल गॉट दिस वन? अब इसका आंसर बताइए क्या लिखोगे? अब मालूम है, अब मिस्ट एक्स आई एन सी डॉट यू एस ए, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, एक्स आई एन सी डॉट यू एस ए अब एक आर्गूमेंट पेश करने वाला है। क्या आर्गूमेंट पेश करेगा? वो ये बोलेगा कि जनाब केस स्टडी वन में तो मैं मानता हूं कि मैंने किसका शेयर्स बेचा है, एक इंडियन कंपनी का शेयर्स मैंने बेचा है, तब तो मेरा एक डायरेक्ट एक्सपोजर बनता है किसके साथ, विद इंडिया, मेरा एक डायरेक्ट कनेक्शन बनता है विद इंडिया। लेकिन इस केस में, केस स्टडी टू में, आपके ये एक्स आई एन सी डॉट यू एस ए क्या अब दलील देंगे, क्या आप आर्गुमेंट करेंगे? तो इनका आर्गुमेंट अब होगा कि देखिए जनाब, अब जो मैंने बेचा है शेयर्स ऑफ सिंगापुर कंपनी बेचा है, तो अगर किसी को आपत्ति अगर होनी चाहिए, अगर किसी को ये ऑब्जेक्शन अगर होना चाहिए, तो ये ऑब्जेक्शन किसको होना चाहिए? सिंगापुर को। तो ये हमारा और सिंगापुर का क्या है, ये मसला है, इंडिया आप बीच में ना पड़े। यही हुआ था कहां पे? वोडाफोन में। ऑब्वियसली वोडाफोन की स्ट्रक्चर तो और भी कॉम्प्लेक्स थी, उसमें तो और भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर थे, क्योंकि वो केमन आइलैंड की कंपनी कहां पे एकदम ऊपर थी, उसका शेयर्स हचिनसन ने बेचा था वोडाफोन को, तो ये अलग है। लेकिन लगभग सिंपल तरीके से अगर रखा जाए तो ये स्ट्रक्चर था कि वो दलील क्या दे रहा है, हमने इंडिया की कंपनी का शेयर्स तो बेचा नहीं है, जो हमने बेचा है वो तो सिंगापुर कंपनी का शेयर्स बेचा है। तो जो जिसको ऑब्जेक्शन होना चाहिए कि आप टैक्स पे करें, वो ऑब्जेक्शन किसको होना चाहिए? सिंगापुर वाले को होना चाहिए, इंडिया वाले को तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने जो शेयर्स बेचा है वो मैंने सिंगापुर कंपनी का शेयर्स बेचा है, ना कि ए लिमिटेड कंपनी का शेयर्स बेचा है। दिस इज व्हाट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज ऑल अबाउट। ठीक है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स आइए, अब हमें यहां पे क्वेश्चन समझ लिया आपने, अभी आंसर जब लिखोगे एग्जामिनेशन में सबसे पहला हिट करना है। मैं आंसर आपको लिखवा दे रहा हूं, देखो किस तरीके से आएगा। एज पर व्हाट एक्सप्लेनेशन 5, पहले प्रोविजन 2 सेक्शन 911, 2 सेक्शन 911, द शेयर्स ऑफ द फॉरेन कंपनी इसमें फॉरेन कंपनी कौन है? ZPLC इज डीम्ड टू बी सिचुएटेड इन इंडिया। तो इसकी लोकेशन हम मानेंगे कहां पे? इन इंडिया। किसकी लोकेशन आप इंडिया में मान रहे हो? ZPLC की शेयर्स की लोकेशन, जिसका शेयर्स आपने बेचा है। किसने बेचा है? XINC USA। तो जिसका शेयर्स आपने बेचा है वो ZPLC है, उस ZPLC की लोकेशन हम इंडिया में मानेंगे अगर इफ इट डिराइव्स इट्स वैल्यू substantially from Indian asset, और Indian asset मेरे एग्जाम्पल में कौन है? A limited. It derives its value substantially from Indian asset. तो बस primarily यही देखना है। अच्छा, इसको मैं अलग उसमें डाल देता हूं। अगर ZPLC अपनी खुद की वैल्यू उसको मिल रही है, अगर ZPLC अगर उसको अपनी खुद की वैल्यू मिल रही है सब्सटैंशियली, किससे? फ्रॉम एन इंडियन एसेट। अगर उसको अपनी खुद की वैल्यू मिल रही है किससे? फ्रॉम एन इंडियन एसेट। तो उस पर्टिकुलर केस में ZPLC की लोकेशन कहां पे मानी जाएगी स्टूडेंट्स? इट विल बी डीम्ड टू बी सिचुएटेड इन इंडिया। कहां पे मानी जाएगी? इट विल बी डीम्ड टू बी सिचुएटेड इन इंडिया। उसकी लोकेशन हम मानेंगे कहां पे? इन इंडिया।
अगर उसकी अपनी वैल्यू सब्सटैंशियली उसको मिल रही है किससे, फ्रॉम एन इंडियन एसेट, तो फिर उस पर्टिकुलर केस में जेड पी एल सी सिंगापुर कंपनी का जो शेयर्स है उसकी लोकेशन फिर हम मानेंगे कहाँ पे, इन इंडिया. दिस इज वॉट पॉइंट नंबर वन इज ऑल अबाउट. ठीक. अच्छा अब असली गेम आ जाएगा. क्या आ जाएगा? वॉट इज सब्सटैंशियल. अच्छा ये सब्सटैंशियल का गेम क्या है भाई? सब्सटैंशियल क्या है? तो दो चीजें होती है, सब्सटैंशियल कंडीशन. सो इसके क्या एलिमेंट्स है, सब्सटैंशियल कंडीशंस के क्या एलिमेंट्स है? सब्सटैंशियल कंडीशंस इसके क्या एलिमेंट है? दो एलिमेंट है. व्हेन दी सब्सटैंशियल कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड. ये किस दिन पे आप ये सब्सटैंशियल कंडीशन को टेस्ट करोगे? शुड बी सेटिस्फाइड और शुड बी टेस्टेड. और दूसरा क्या है इसका, ये कब आपको करना है? और दूसरा क्या है, वॉट इज दी सब्सटैंशियल, वॉट इज दिस सब्सटैंशियल कंडीशन? कब ये कंडीशन को आप जांचोगे और ये कंडीशन को आप कैसे जांचोगे? तो पहले मैं कैसे इसको आपको जांचना है वो बता देता हूं. तो आपको ये पता लगाना पड़ेगा क्या कि जो फेयर मार्केट वैल्यू है ऑफ द इन्वेस्टमेंट, द एफएमवी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द इंडियन एसेट, जो इंडियन एसेट में आपने इन्वेस्टमेंट जो कर रखा है, किसने इन्वेस्टमेंट किया है? जेड पी एल सी सिंगापुर ने. क्या वो ग्रेटर देन 10 करोड़ है? एफएमवी वैल्यू क्या वो ग्रेटर देन 10 करोड़ है? ये पहला कंडीशन है. और दूसरा, यहां पे दोनों कंडीशन को आपको सेटिस्फाई करने पड़ेंगे स्टूडेंट्स. सेकंड वाला पॉइंट क्या है? व्हाट इज सेकंड पर्टिकुलर पॉइंट? पहला वाला पॉइंट तो मैंने बता दिया, एफएमवी वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द इंडियन एसेट क्या वो मोर देन ₹10 करोड़ है या नहीं, ये पहला कंडीशन है. और दूसरा कंडीशन जो है वो ये है कि क्या जो एफएमवी वैल्यू ऑफ इंडियन इन्वेस्टमेंट जो है, एफएमवी वैल्यू ऑफ इंडियन इन्वेस्टमेंट, नहीं 5% अभी नहीं आएगा विशाल, ऑफ इंडियन इन्वेस्टमेंट क्या वो मोर देन और इक्वल टू 50% ऑफ द टोटल एसेट, 50% ऑफ व्हाट, ऑफ द टोटल एसेट ऑफ द फॉरेन कंपनी. किस फॉरेन कंपनी की बात हो रही है? जेड पी एल सी. तो जेड पी एल सी का टोटल एसेट की एफएमवी निकाल ले, जेड पी एल सी का टोटल एसेट की एफएमवी निकाल ले, और फिर आप जो इंडियन इन्वेस्टमेंट जो किया है जेड पी एल सी ने उसकी एफएमवी देखें, तो ये पता लगाएं कि क्या इंडियन इन्वेस्टमेंट की जो एफएमवी है क्या वो मिनिमम 50% है ऑफ द टोटल एसेट ऑफ द फॉरेन कंपनी. अगर आप बोलते हो कि हाँ है तो फिर बात बन गई, पहला कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए. तो दोनों अगर कंडीशन सेटिस्फाइड अगर है तो फिर बात बन गई है स्टूडेंट्स. क्या बोलोगे कि जनाब वाकई ये फॉरेन कंपनी जो कि मेरे एग्जांपल में जेड पी एल सी है, उसको अपनी खुद की वैल्यू सब्सटैंशियली मिल रही है. किससे मिल रही है? फ्रॉम द इंडियन एसेट, फ्रॉम द इंडियन एसेट. अब ये बात तो सही है कि भाई ये सब्सटैंशियल कंडीशन क्या है ये तो समझ लिया आपने, लेकिन जो पहला वाला पॉइंट है वो तो बताओ कि ये जो सब्सटैंशियल वाला जो कंडीशन है वो आप किस दिन इसे आजमाओगे, ये आजमाइश किस दिन होगी, द सब्सटैंशियल कंडीशन की आजमाइश आप किस दिन करोगे? तो यहां पे आपको दो डेट्स दिए गए, एक तो है डेट ऑफ ट्रांसफर,
जिस दिन ZPLC का जो शेयर्स है वो ट्रांसफर किया वो दिन आप ले लें, या फिर द लास्ट डेट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, ध्यान से सुनना, द लास्ट डेट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड प्रिसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर, प्रिसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर। हम लोग स्टूडेंट्स पहला प्रेफरेंस देते हैं वो डेट, रिलेवेंट डेट को, ऑफ द लास्ट डेट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड प्रिसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर, उसको हम पहला प्रेफरेंस देंगे कि वो डेट पे आप क्या करें, ये दो कंडीशन को जांच ले। लेकिन ध्यान से सुनना, अगर उस फॉरेन कंपनी, मतलब मेरे एग्जांपल में ZPLC सिंगापुर, अगर उस फॉरेन कंपनी की टोटल बुक वैल्यू बिटवीन दिस टू डेट्स, टू डेट्स का मतलब जो लास्ट डेट है आपका ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड प्रिसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर, वो डेट एज कंपेयर्ड विद द डेट ऑफ ट्रांसफर, तो अगर उस फॉरेन कंपनी की जो टोटल बुक वैल्यू जो है अगर वो एक्सीड अगर कर जाए विद बाय मोर देन 15%, मतलब कि एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर अगर वो एक्सीड कर जाए बाय मोर देन 15%, तो फिर आप वो लास्ट डेट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड प्रिसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर आप नहीं लेंगे। तो आप एक क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ पे, और ये क्वेश्चन क्या होगा, वेदर द टोटल बुक वैल्यू, ऑफ द एसेट, ऑफ द फॉरेन कंपनी, यहां पे बुक वैल्यू लेते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, ऑफ द फॉरेन कंपनी, और फॉरेन कंपनी में क्या लेना आपने, ZPLC, एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। और स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं, अगर एक पूरे तरह से ऐसा क्वेश्चन आ गया ना, तो प्रोविजन भी आपको ऐसे लिखना है जैसे चार्ट में बना रहा हूं वैसे लिख कर आना स्टूडेंट्स, क्योंकि ये भी बहुत डिफिकल्ट होता है लिखने के टाइम पे, एग्जामिनेशन में मैंने देखा है इट इज वेरी डिफिकल्ट। कल भी मैंने जब असेसमेंट के टाइम पे एक टेक्निक आपको बताई थी, याद आ रहा है आपको, कल एक टेक्निक बताया गया था असेसमेंट के टाइम पे भी, सेम वही चीज यहाँ पर भी आप अप्लाई करें, इसको भी हो सके अगर एक 10 नंबर का 12 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है प्रोविजन तो आपको लिखने पड़ेंगे, हो सके तो इस तरीके से चार्ट में डाल के प्रोविजन रख देना, ताकि क्या होगा, इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू टू मेक द एग्जामिनर अंडरस्टैंड, कन्वे करना बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। सो वेदर द टोटल बुक वैल्यू ऑफ द एसेट ऑफ द फॉरेन कंपनी ZPLC एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर एक्सीड बाय 15%, एज कंपेयर टू इट्स टोटल, एज कंपेयर टू इट्स टोटल बुक वैल्यू एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, लास्ट डेट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड प्रिसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर, प्रिसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर। ये है क्वेश्चन आपने पूछा है, इसका दो आंसर देना है, या तो ये येस हो सकता है या फिर ये नो हो सकता है। आपको इसी वजह से स्टूडेंट मैंने बताया लिख के करना है, ये रीड करके बहुत आसान हो जाता था, इसी वजह से मैंने आपको पहले सी स्लाइड इसमें दिया नहीं है, क्योंकि ये लिख के करना पड़ेगा, बारीक बारीक पॉइंट है, छोटे छोटे जगह पे आप इजीली मिस कर जाओगे, और इस वजह से थोड़ा सा केयरफुल रहना है इस पर्टिकुलर एंटायर एक्सरसाइज में, ठीक है। या तो आप बोलोगे कि हाँ एक्सीड कर गया, 15% से एक्सीड कर गया, अगर आप ये बोलते हो कि डेट ऑफ ट्रांसफर में जो टोटल बुक वैल्यू है वो इन एक्सेस है 15% से एज कंपेयर टू द टोटल बुक वैल्यू एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड प्रिसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर, तो फिर ऐसे केस में आपका रेलेवेंट डेट बताओ क्या हो जाएगा, द डेट ऑफ ट्रांसफर, अगर आप येस बोलते हो तो डेट ऑफ ट्रांसफर होगा द रेलेवेंट डेट, और अगर आप नो बोलते हो तो आपका रेलेवेंट डेट क्या हो जाएगा, द लास्ट डेट, द लास्ट डेट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड प्रिसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर, प्रिसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर। द लास्ट डेट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड प्रिसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर, तो ये प्लीज नोट करना, येस हो सकता है या फिर नो। अच्छा एक बार ये चीज आपने कंप्लीट कर लिया, बी केयरफुल, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, तो पहला स्टेप क्या है, ये पहले पता लगा दो कि किस डेट पे
आप ये कंडीशन को आजमाने वाले हो, वेदर दैट डेट इज द डेट ऑफ ट्रांसफर, जिस डेट पे जेड पीएलसी का शेयर्स को बेचा है, क्या वो डेट लोगे, या फिर जो लास्ट अकाउंटिंग पीरियड था जेड पीएलसी का प्रिसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर, वो और डेट आप लेंगे। क्योंकि पहला वो डेट को फ्रीज करना जरूरी है, क्योंकि जो भी डेट आप फ्रीज करोगे, जो भी डेट आप फ्रीज करोगे, उस डेट पे वो दो कंडीशन, सब्सटेंशियल कंडीशन वाले दो कंडीशन आप सेटिस्फाई करना है आपने। वो दो कंडीशन कौन से थे स्टूडेंट्स? ये है वो दो कंडीशन। पहला कि क्या जो उस, ये दो कंडीशन किस डेट पे देखना है आपने, ये दो कंडीशन आपको किस डेट पे देखना है, द रेलेवेंट डेट। वो रेलेवेंट डेट क्या है? वो अभी अभी आपने पता लगाया, वो अभी अभी आपने पता लगाया। तो रेलेवेंट डेट को आपको ये दो कंडीशन देखना है। तो पहला कंडीशन है कि क्या एफएमबी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ द इंडियन एसेट, एफएमबी वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द इंडियन एसेट, क्या वो एक्सीड कर गया है बाय मोर देन 10 करोड़, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। एंड द सेकंड कंडीशन इज वेदर द एफएमबी वैल्यू ऑफ द इंडियन एसेट, इंडियन इन्वेस्टमेंट, क्या वो मिनिमम 50% है ऑफ द टोटल एसेट ऑफ द फॉरेन कंपनी जेड पीएलसी। तो जो जेड पीएलसी की अपनी खुद की इंडियन एसेट में जो इन्वेस्टमेंट है, क्या वो मिनिमम 50% है ऑफ द टोटल एसेट ऑफ दैट फॉरेन कंपनी? अगर है तो फिर हम बोलेंगे और कंक्लूड करेंगे कि वाकई जेड पीएलसी को अपनी वैल्यू सब्सटैंशली मिल रही है, बताओ किससे, फ्रॉम द इंडियन एसेट। सब्सटैंशली मिल रही है, बताओ किससे, फ्रॉम द इंडियन एसेट। और अगर ये बात एस्टैब्लिश हो जाए तो फिर क्या कंक्लूड करोगे, क्या कंक्लूड करोगे, दैट द शेयर्स ऑफ जेड पी एल सी, द शेयर्स ऑफ जेड पी एल सी इज डीम्ड टू बी सिचुएटेड इन इंडिया, शेयर्स ऑफ जेड पी एल सी इज डीम्ड टू बी सिचुएटेड इन इंडिया, ये चीज आप कंक्लूड करेंगे। डिड यू ऑल गॉट दिस वन? ठीक है, ये चीज आपने पकड़ लिया है स्टूडेंट्स। अच्छा, एक और एक पॉइंट स्टूडेंट्स मैं आपको बता रहा हूं, एक और एक पॉइंट है, यहां पे भी घायल हो सकते हो, आपको चेतावनी के साथ बता रहा हूं। ये जो एफएमबी वाला गेम है ना, यहाँ पे एफएमबी वाला जो गेम है, ये थोड़ा केयरफुल रहना स्टूडेंट्स। यहाँ पे एफएमबी ये होगा, ये जो गेम है यहाँ पे एफएमबी को, इसको डिफाइन किया गया है रूल 11UA में, एफएमबी वुड बी विदाउट, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये केयरफुल रहना, आने वाला ये है। मैंने अपने MTP 1 में ये ऐसा ही क्वेश्चन डाला है, केयरफुल रहना। एफएमबी वुड बी विदाउट व्हाट? विदाउट रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग आउटसाइड लाइबिलिटी, ये रूल में डाला गया है। आउटसाइड लाइबिलिटी मतलब लाइबिलिटी को रिड्यूस किए बगैर आपको ये एफएमबी वैल्यू लानी है। ये चीज आप लोग ध्यान में रख के इसको करके चलना। बिल्कुल अब्दुल, तो ये चीज अशोका ध्यान रखिएगा आप लोग, ये पर्टिकुलर पॉइंट को लेके, एफएमबी वैल्यू क्या है, इट इज विदाउट रिड्यूसिंग द आउटसाइड लाइबिलिटी, उसे रिड्यूस किए बगैर ये रूल के अंदर डाला, वैल्यूएशन रूल से इसके, एफएमबी वैल्यू कैसे इसका लेकर आए, इसके वैल्यूएशन रूल से, ठीक है। और अगर आपने ये रिड्यूस कर दिया तो गए काम से स्टूडेंट्स, गलत आंसर आएगा। मैंने MTP 1 में जो क्वेश्चन इसका डाला है उसमें यही किया है, जो टेबल आपको दिया है डेटा, उसमें इसको मैंने रिड्यूस कर रखा है। तो अगर रिड्यूस कर रखा है तो क्या करना पड़ेगा आपको, एफएमवी वैल्यू निकालने के लिए, एफएमवी वैल्यू निकालने के लिए अगर रिड्यूस करके दिया है तो क्या करना पड़ेगा, उसको ऐड बैक करना होगा आपको, उसको ऐड बैक करना पड़ेगा। डिड यू ऑल गॉट दिस वन? तो आप ऐड बैक करके उसकी एफएमवी वैल्यू लाए। अभी लास्ट पॉइंट वापस से बता रहा हूं स्टूडेंट, कंपेयर कीजिएगा। क्या आप कंपेयर करेंगे? यहां पे बुक वैल्यू है, यहां पे बुक वैल्यू है, और यहां पे क्या है, फेयर मार्केट वैल्यू है। तो रेलेवेंट डेट पता लगाने के लिए बुक वैल्यू देखी जाती है, बुक वैल्यू देखी जाती है, और जब सब्सटैंशियल कंडीशन, वो दो सब्सटैंशियल कंडीशन को आजमाना है, तो उसमें एफएमबी देखी जाती है, ठीक है। तो ये बस आप लोग ध्यान रखना स्टूडेंट्स इस कॉन्टेक्स्ट में। और पहले स्टेप में रेलेवेंट डेट आप लेकर आएंगे, बिल्कुल अब्दुल, पहले स्टेप में आप रेलेवेंट डेट लेकर आएंगे, और दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में आप वो रेलेवेंट डेट को, आप वो दोनों सब्सटैंशियल कंडीशन को आजमाएंगे, ये पता लगाने के लिए क्या वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है। अगर होता है तो फिर फाइनल कंक्लूजन लेना है आपने कि वो फॉरेन कंपनी का अपना वैल्यू, वो फॉरेन कंपनी के शेयर्स की अपनी वैल्यू उसको मिल रही है सब्सटैंशियली फ्रॉम द इंडियन एसेट, और इसी वजह से उस फॉरेन कंपनी की जो शेयर है उसकी लोकेशन कहाँ मानी जाएगी, इन इंडिया। एंड इफ दैट इज द केस, तो बताओ फिर XINC.net ने किसका वो जो XINC.net ने जो एसेट, जो शेयर्स ट्रांसफर किया है, उस ट्रांसफर से जो कैपिटल गेन्स बनेगा,
क्या वो इंडिया में अक्रू होगा? एंड द आंसर इज यस, एंड द आंसर इज यस। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा आपने अब्दुल, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे आप लोग ध्यान रखें। तो ये प्रोविजन स्टूडेंट्स यहाँ पे, अब उसका एक एक्सेप्शन बस आपको बता देता हूँ लास्ट में स्टूडेंट्स, बस ध्यान से सुनना, एक लास्ट पे एक एक्सेप्शन सुन लो। एक्सेप्शन ये है, चलो ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, जेड पी एल सी को अपनी वैल्यू सब्सटैंशली मिल रही है, ये भी मान लिया, क्या मान लिया कि इसको अपनी वैल्यू मिल रही है सब्सटैंशली, किससे? वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, सब्सटैंशली मिल रही है किससे उसको? इंडियन एसेट से, मान लिया हमने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, रेलेवेंट डेट को ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है और इसको अपनी खुद की वैल्यू सब्सटैंशली आ रही है किससे? फ्रॉम इंडियन एसेट। ठीक, अब जो पॉइंट है वो ये है कि अगर ये है तो जेड पी एल सी की लोकेशन कहां पर होगी? जेड पी एल सी की लोकेशन हम कहां पे मान के चलेंगे? इन इंडिया। वी विल देन से दैट द लोकेशन ऑफ जेड पी एल सी इज इन इंडिया, यही होगा ना, फिर लोकेशन जेड पी एल सी का हम इंडिया में मानेंगे। अच्छा, यहां पर तो हमने ये बोला है, ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, यहां पे तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि ये जो शेयर है किसने बेचा है, हु इज द वन हु हैज ट्रांसफर द शेयर, एक्स आई एन सी डॉट। लेकिन जेड पी एल सी में कोई और भी तो शेयर होल्डर होंगे, से फॉर एग्जाम्पल मैं भी एक शेयर होल्डर हूं जेड पी एल सी का और मैं नॉन रेसिडेंट हूं, मैं भी एक शेयर होल्डर हूं किसका? जेड पी एल सी का। मेरे पास जेड पी एल सी के 100 शेयर्स हैं, ठीक है, 100 शेयर्स का ही मैं मालिक हूं, जबकि एक्स आई एन सी डॉट के पास कितने हैं? 10 लाख शेयर, मेरे पास 100 है। ऐसे और आप मैं मिला के 100-200 शेयर वाले बहुत लोग हैं, लेकिन जो 10 लाख वाला शेयर है ये एक्स आई एन सी डॉट के पास है। मैंने अब जेड पी एल सी के शेयर को मैंने खुद ट्रांसफर किया है, सेम यही भाव में मैंने भी $10 पे मैंने सब्सक्राइब किया था, आईपीओ आई थी उसकी सिंगापुर में, तब मैंने सब्सक्राइब किया था और मैंने अब उसको $100 पे क्या किया है? बेचा है, तो मुझे भी $90 का कैपिटल गेंस आया है, मैंने सिंगापुर में बेचा है, मैं भी नॉन रेसिडेंट इंडिया का। तो क्वेश्चन ये आ रहा है कि अभी अभी आपने कंक्लूड किया कि जेड पी एल सी की अपनी वैल्यू सब्सटैंशली उससे मिल रही है फ्रॉम द इंडियन एसेट, इस वजह से जेड पी एल सी की लोकेशन कहां मानी जाएगी? इन इंडिया। तो बताएं जनाब, मैं जो कि जेड पी एल सी का 100 शेयर का मालिक हूं, जब मैं वो 100 शेयर को ट्रांसफर करता हूं और उससे जब मुझे कैपिटल गेन्स बनेगा, तो क्या ये कहोगे आप कि ये जो कैपिटल गेन्स आपने कमाया है दैट इज डीम्ड टू अक्रू अराइज इन इंडिया? क्या ये आप कहोगे दैट इट इज डीम्ड टू अक्रू अराइज इन इंडिया? एंड द आंसर इज नो। मुझे बींग अ माइनॉरिटी शेयर होल्डर, उन्होंने इतने कड़े और कठिन प्रोविजन से क्या कर दिया है? एग्जेम्प्ट कर दिया है। तो ये उन्होंने एक 5% का एक थ्रेशोल्ड दे रखा है स्टूडेंट्स, 5% का एक थ्रेशोल्ड दे रखा है दैट अगर ये जेड पी एल सी जिसकी अपनी वैल्यू सब्सटैंशियली उसे मिल रही है फ्रॉम द इंडियन एसेट और इसी वजह से उसकी लोकेशन कहाँ मानी जा रही है? इन इंडिया। अगर उसके कोई माइनॉरिटी शेयर होल्डर ने उसकी शेयर्स अगर ट्रांसफर की होगी, उसके माइनॉरिटी शेयर होल्डर ने अगर उसकी शेयर्स को ट्रांसफर की होगी, तो उससे कैपिटल गेन जो बनेगा दैट कैपिटल गेन्स विल नॉट बी डीम्ड टू अक्रू अराइज इन इंडिया, दैट कैपिटल गेन्स विल नॉट बी डीम्ड टू अक्रू अराइज इन इंडिया। और माइनॉरिटी शेयर होल्डर का डेफिनेशन क्या है? 5% ऑफ द वोटिंग पावर, मैक्सिमम 5% ऑफ द वोटिंग पावर, उसके ऊपर नहीं आना चाहिए। तो अगर मैं 5% के ऊपर अगर नहीं जा रहा हूं, तो फिर उस पर्टिकुलर केस में मैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर होने के नाते वो जेड पी एल सी जिसकी अपनी वैल्यू इन इंडियन एसेट से आ रही है, तो भले ही उसकी लोकेशन इंडिया में क्यों ना हो, लेकिन जब भी मैं बीइंग अ माइनॉरिटी शेयर होल्डर अगर जेड पी एल सी का शेयर्स को बेचूंगा और उससे कैपिटल गेंस कमाऊंगा, तो फिर मेरे हाथ में ये कैपिटल गेंस की टैक्स नहीं लगेगी। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। डिड यू ऑल गॉट दिस वन स्टूडेंट्स? ठीक है, तो ये एक इनडायरेक्ट ट्रांसफर वाला पर्टिकुलर पॉइंट ये मैंने आपको बता दिया, ये कंडीशन कैसे आपको टेस्ट करना है। हाँ अब्दुल, अगर मोर देन 5% अगर मेरी होल्डिंग है जेड पी एल सी में और अगर मैंने फिर क्या किया है वो जेड पी एल सी का शेयर को ट्रांसफर किया, तब तो कैपिटल गेन्स डेफिनेटली, तब तो ये प्रोविजन में अटक जाऊंगा मैं। तो जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है उनको ही उन्होंने क्या किया है, इसकी एग्जेम्पशन दी है। और माइनॉरिटी शेयर होल्डर का मतलब है वो जो 5% से अधिक शेयर होल्डिंग, उनकी वोटिंग पावर उनकी उस कंपनी में नहीं है। फाइन स्टूडेंट्स, अच्छा अब आप चलो ये हो गया। अब बाय द वे कैपिटल गेन्स एक लास्ट बता देता हूँ स्टूडेंट्स, पकड़ पाओगे कि नहीं बता दो यहाँ पे, यहाँ तक ठीक है? लास्ट पॉइंट मैं आप बताने जा रहा हूँ, ऑल ऑफ यू थ्रू विद दिस।
कैपिटल गेंस की कैलकुलेशन होगा, कैपिटल गेंस की कैलकुलेशन होगी, और कैपिटल गेंस की कैलकुलेशन कौन करने वाला है, कौन करेगा, xinc.usa, उसने वो है ना ट्रांसफरर, xinc.usa, दे आर द वन हु इज अ ट्रांसफरर, ठीक है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, एक्सेप्शन लिखवा दू, हर्षिता ने कहा है, चलो एक्सेप्शन हर्षिता मैं लिखवाता हूं एंड में, पहले कैपिटल गेंस की कैलकुलेशन में ये पहले कंप्लीट कर देते हैं और फिर उसके बाद मैं एक्सेप्शन लिखवाता हूँ। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन देखिए जनाब, से कितना था, डॉलर 100 इंटू इंटू व्हाट, 100 डॉलर, आगे क्या, कितना शेयर्स, 10 लाख शेयर्स, 10 लाख्स, ठीक है, इसको INR में कन्वर्ट करना पड़ेगा, से INR की वैल्यू इसकी प्राइमरी, अब INR जो भी रहेगा मैं अभी डॉलर में करता हूँ, लेकिन इसको डॉलर को INR में कन्वर्ट करना होगा, तो ये कितना है, आ गया 100 लाख्स, टोटल बताओ जल्दी से इसका, ठीक है 1000 लाख्स, अच्छा बाय द वे कैपिटल एसेट जिसके ट्रांसफर किए वो क्या है, जो कैपिटल एसेट जो ट्रांसफर किया आपने वो क्या था, कैपिटल एसेट जो ट्रांसफर किया वो क्या था, वो था शेयर्स, कैपिटल एसेट ट्रांसफर मैं वो भी लिख देता हूँ, कैपिटल एसेट ट्रांसफर है शेयर्स ऑफ ZPLC, शेयर्स ऑफ ZPLC, ठीक है, जो सेट कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया, यहां तक ठीक, तो 10 लाख शेयर था टोटल उसके पास, $100 के हिसाब से उसने बेचा था, तो इस हिसाब से ये इसकी वैल्यू निकल गई। अच्छा अब स्टूडेंट्स एक पॉइंट आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना है यहां पे, ये कैपिटल गेंस की कैलकुलेशन जब करूंगा तो पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या लूंगा मैं, पीरियड ऑफ होल्डिंग, भाई कैपिटल गेंस की कैलकुलेशन करनी है, आप लोग यहां तक पूछेंगे, पूछेंगे नहीं, पूछ रहे हैं जुलाई आइटम में, देख लेना आप लोग, या तो आपको लग रहा है कि नहीं नहीं यहां तक नहीं पूछेंगे तो फिर चलो ठीक है, इसको रहने देते और आगे बढ़ते, बताइए चांस लेना है कि नहीं लेना है, बताओ दी भाई, पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या मैं लूंगा, पीरियड ऑफ होल्डिंग लेना पड़ेगा ना, 12 महीना लूं या 24 मंथ्स लूं या 36 मंथ्स लूं, तीन है आपके पास पीरियड ऑफ होल्डिंग, तीन है पीरियड ऑफ होल्डिंग, जरा जल्दी से टाइप करके जनाब बताएं आंसर, देयर आर 3 पीरियड ऑफ होल्डिंग, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स एंड 36 मंथ्स, आप बताएंगे कि कौन सा पीरियड ऑफ होल्डिंग मैं लूंगा, 12 महीना, 24 महीना या 36 महीना, तीन पीरियड ऑफ होल्डिंग आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है, चौथा ऑप्शन नहीं है, जल्दी जल्दी बताओ आंसर फिर, क्योंकि आप बोलोगे सर क्यों इतना पीरियड ऑफ होल्डिंग पे आप इतना चर्चा कर रहे हो, अरे भाई पीरियड ऑफ होल्डिंग से ये पता चलता है कि जो एसेट है वो लॉन्ग टर्म है या नहीं, ये पता चलता है हमें, पीरियड ऑफ होल्डिंग इसके लिए आजमाई जाती है कि वो लॉन्ग टर्म है भी या नहीं, इसके लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग लेना पड़ता है, तो स्टूडेंट्स ध्यान से दिल थाम के बैठ जाइए, आंसर देने जा रहा हूं, और आंसर है क्या, 24 मंथ्स, इसका आंसर निकला है 24 मंथ्स, तो 24 मंथ्स स्टूडेंट्स सही जवाब है, 24 मंथ्स इज द करेक्ट आंसर, आप बोलोगे ये कहां से हो गया, गजब सर आपने ढा दिया, 24 मंथ्स कहां से आपको मिल गया, सुनिए ध्यान से 24 मंथ्स का लॉजिक क्या है, 12 महीना जो है ना वो शेयर्स लिस्टेड इन एनी स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया ये लिखा गया है इन 12 मंथ्स, फिर नीचे 24 मंथ्स में आता है अनलिस्टेड शेयर्स, और 36 मंथ्स तो ऑल ऑफ द कैटेगरी, 12 महीने में लिखा गया है शेयर्स विच इज लिस्टेड इन एनी स्टॉक एक्सचेंज प्राइमरी, वो 12 मंथ्स में है,
और फिर बाद में आपका आता है 24 मंथ्स में अनलिस्टेड शेयर्स। तो मुझे बताएं ZPLC जो है वो क्या है, क्या वो शेयर्स ZPLC का जो शेयर्स है, इज इट लिस्टेड इन एनी ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया? इज इट लिस्टेड इन एनी ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया? क्या ये लिस्टेड है इंडिया के किसी स्टॉक मार्केट में ZPLC का शेयर? एंड आंसर इज नो। और इसी वजह से इसे हम क्या मानेंगे, अनलिस्टेड शेयर्स, अनलिस्टेड शेयर्स मानेंगे। तो इस वजह से स्टूडेंट्स ये जो है इसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग जो होगी POH एग्जामिनेशन में भी ध्यान रखना, यही करना है आपने, 24 मंथ्स मानी जाएगी। और ये 24 मंथ्स किसके लिए होता है, फॉर अनलिस्टेड शेयर्स। और अगर ये अनलिस्टेड शेयर्स है तो एक प्रोविजन के लिए रेडी हो जाइए स्टूडेंट्स, जो कि आपको पता ही नहीं है। और ICAI जुलाई अटेम्प्ट में, क्योंकि आपको इतना टाइम मिला है पढ़ने के लिए, आपको ICAI यही क्वेश्चन डालेगा जो कि आपको पता ही नहीं उसके बारे में। और वो क्या है, ध्यान से सुनना। सेक्शन 112 के अंदर, 112 112 में एक प्रोविजो है, उसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, ध्यान से सुनेंगे स्टूडेंट्स, क्या लिखा गया है, अगर एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बीइंग द अनलिस्टेड शेयर्स को ट्रांसफर किया है किसने, बाय अ नॉन रेसिडेंट, देन दी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स विल बी कैलकुलेटेड विदाउट गिविंग द इफेक्ट ऑफ इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन का इफेक्ट दिए बगैर आप क्या करेंगे, उसकी LTCG कैलकुलेट करेंगे, और उस LTCG जो आपने कैलकुलेट किया है उस पर टैक्स रेट 10% का लगाएंगे। ये प्रोविजन है 112 के अंदर। क्या बेचा है आपने, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बीइंग एन अनलिस्टेड शेयर्स, किसने बेचा है, बाय अ नॉन रेसिडेंट। तो फिर ऐसे केस में कैसे कैलकुलेशन करना होगा, दी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स इन सच केस विल बी कैलकुलेटेड विदाउट गिविंग द इफेक्ट ऑफ इंडेक्सेशन। दिस इज वॉट द प्रोविजन इज ऑल अबाउट। 112 में होगा भाई, 112A में नहीं जाओगे, 112A में तो आप जाते हो। 112A किसके लिए है, फॉर अ इक्विटी शेयर्स व्हिच इज लिस्टेड इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। और जबकि यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, ZPLC की बात हो रही है, व्हिच इज नॉट एट ऑल लिस्टेड इन एनी ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। लीव असाइड द क्वेश्चन ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो ऐसे हालात में आपने फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन चुपचाप ले लेना है, विदाउट गिविंग इंडेक्सेशन बेनिफिट, विदाउट गिविंग इंडेक्सेशन बेनिफिट। एज पर सेक्शन 112, तो आपका कॉस्ट क्या था, बताओ कॉस्ट क्या था, कॉस्ट आपका था $10, 10 लाख। तो ये 100 का ये कॉस्ट है, और उसके हिसाब से फिर बताइए क्या हो गया, ये आपकी LTCG आ गई कितने की, $900 की आ गई। ठीक है, सेम मैंने इसको स्टूडेंट INR में कन्वर्ट कर दिया, उसका एक INR में कन्वर्ट में $1 से ₹10 में ले रहा हूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं बस, ये 10 कहां से आ गया, बस एग्जांपल दिया ऐसा, वो आपको मिल जाएगा एग्जामिनेशन में, तो रुपीस में आ गया। ठीक है, 9,000 लाख रुपए आ गया मुझको। ठीक है, कन्वर्ट मैंने उसको रुपीस में कर दिए। अब ध्यान से बैठिएगा, अब आप बोलोगे चलो जल्दी से सर टैक्स लगवा दो 10% का, रुक जाइए, मैं 10% का टैक्स अभी नहीं लगाऊंगा। बताइए मुझे अभी क्या करना है, मुझे देखना है कि कौन इसका आंसर दे सकता है। मैं 10% का टैक्स यहाँ पे नहीं लगाना चाहता हूं अभी, मुझे एक स्टेप करना पड़ेगा, ये नहीं करूंगा तो मेरी आंसर गलत हो जाएगी। वो स्टेप क्या है आप ही को बताना है, बताइए जल्दी से, मैं देख रहा हूं कौन है जो बहुत ही तेजी से इसका आंसर दे। बताओ अली, अब खामोशी सी छा गई है। नहीं, रिकन्वर्जन नहीं है, रिकन्वर्जन करना वो तो मैंने कर दिया ना, कन्वर्जन रिकन्वर्जन अब्दुल वो तो होगा ही नहीं,
क्योंकि वो सीधा सीधा बोल दिया इंडेक्सेशन, ना तो इंडेक्सेशन देना है ना ही कन्वर्जन रिकन्वर्जन करना है, ठीक है? ना इंडेक्सेशन ना कोई कन्वर्जन रिकन्वर्जन, जैसे कैलकुलेशन मैंने किया ना उसी तरीके से बस कैलकुलेशन करना है, उसकी वैसे ही INR में वैल्यू आ गई है। कोई और है बताने की आखिर आखिरी बाद में बोला नहीं कि आपने मौका नहीं दिया। TDS अभी नहीं, अभी तो मैं अभी TDS नहीं आएगा दिनेश, अभी TDS का नहीं है। एक पॉइंट है जो आप मिस कर रहे हो, बोले कि नहीं वो हमें करवाया नहीं, आपने करवा दिया है, लेकिन वही चीज है। बिल्कुल सही कहा जसप्रीत ने, बिल्कुल सही जवाब, एट्रीब्यूशन देना होगा। ये चीज आप गोल कर गए स्टूडेंट्स, एट्रीब्यूशन। आपने तो पूरा $100 इंटू 10 लाख आपने किया है, आप मुझे बताओ क्या एंटायर $100, बताओ स्टूडेंट ध्यान से, क्या एंटायर $100 ZPLC को क्या क्या इंडिया के इन्वेस्टमेंट से मिल रहा है? क्या एंटायर $100 की जो वैल्यू आई है ZPLC की, क्या एंटायरली वो क्या इंडिया के एसेट से मिल रहा है? बिल्कुल नहीं। अरे एंटा आपका आपने $100 में ZPLC का शेयर्स बेचा है, मानते हो इस बात को? $100 में ZPLC का शेयर्स बेचा है, मतलब ZPLC की वैल्यू कितनी है? $100। क्या पूरा का पूरा $100 का जो वैल्यू ZPLC की जो बनी है, क्या वो इंडियन एसेट की वजह से बनी है? इज इट बिकॉज ऑफ द इंडियन एसेट? 100 का पूरा 100% उसको इंडिया के एसेट से वैल्यू आ रहा है? नहीं, 80% का वैल्यू, जो 80% देख रहे हो यहाँ पे, ये 80% का जो उसको अपना वैल्यू है वो मिल रहा है फ्रॉम द इंडियन इन्वेस्टमेंट। तो इसका मतलब है कि $100 का वैल्यू में से 20% की वैल्यू आ रही है किससे? फ्रॉम फॉरेन एसेट्स। और अगर ये बात है तो कितना टुकड़ा इंडिया में अक्रू माना जाएगा? उतना ही टुकड़ा इंडिया में अक्रू माना जाएगा जितना कि उसको अपनी वैल्यू आ रही है फ्रॉम द इंडियन एसेट। तो इसी वजह से इसमें से क्या होगा इन दिस कॉन्टेक्स्ट, क्या LTCG एट्रिब्यूटेबल टू इन्वेस्टमेंट इन इंडियन एसेट? तो मेरे एग्जाम्पल में कितना था? 80%। और अगर 80% है तो फिर बताओ कितना हो गया ये 80%, ये कितना हो गया? 7,200 लाख। और अब ये 7,200 लाख पे आप टैक्स लगाएंगे एट द रेट ऑफ, ये स्टेप में भूल जाओगे, इतना डीप आते आते ना ये भूल जाओगे आप, 720 लाख। और फिर सरचार्ज और सेस देख लेना अपने हिसाब से। ये है XINC.DOT की टैक्स लायबिलिटी, ठीक है? मैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर का वो छोटा सा नोट दे देता हूं जो एक स्टूडेंट ने भी रिक्वेस्ट किया था, तो नोट मैं जल्दी से दे देता हूं। ZPLC इज डीम्ड टू बी सिचुएटेड इन इंडिया एज पर एक्सप्लेनेशन 5 टू सेक्शन 911, एज पर एक्सप्लेनेशन 5 टू सेक्शन 911, फुल स्टॉप। हाउएवर इफ अ शेयर होल्डर ऑफ ZPLC होल्डिंग नॉट मोर देन 5% ऑफ वोटिंग पावर आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली
इन जेड पी एल सी ट्रांसफर्स द शेयर्स देन द कैपिटल गेन्स अराइजिंग ऑन सच ट्रांसफर शैल नॉट बी टैक्सेबल इन इंडिया, शैल नॉट बी टैक्सेबल इन इंडिया। लिख लिया स्टूडेंट्स, ये देखा कितने दांव पेच, कितने खतरनाक दांव पेच खेले जा सकते हैं इस पूरे के पूरे केस स्टडीज में। तो दैट इज द रीजन वाई आई टोल्ड यू यू हैव टू बी वेरी केयरफुल स्टूडेंट्स, इसमें बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा आपको इस पूरे प्रोविजंस में। एंड दैट इज प्राइमरी हाउ द थिंग्स हैज टू बी डिस्कस्ड। डिड यू ऑल गॉट दिस वन? मैंने पूरा प्रैक्टिकल लेवल तक करवा दिया, ए टू जेड सब चीज, जो भी इसके परमिनेशन कॉम्बिनेशन होते हैं सब मैंने करवा दिया इस केस स्टडी के जरिए। फाइन, अब गाड़ी आगे बढ़ाते हैं आपकी इजाज़त अगर हो तो। चलिए स्टूडेंट्स, अब ये मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया इस पूरे के पूरे नोट्स के जरिए भी। अब आते हैं हम लोग अपने अगले पड़ाव पे। कहाँ तक हम लोग पहुँच गए इसको अपने चेकलिस्ट में आ जाओ। सेक्शन 9 में 911 जो आपका है, अब इसमें आपका बच गया बिजनेस कनेक्शन। बिजनेस कनेक्शन बच गया स्टूडेंट्स इसमें। बिजनेस कनेक्शन में स्टूडेंट्स उन्होंने प्राइमरी क्या किया है, बिजनेस कनेक्शन वाला पॉइंट। आइए इसको मैं आपको तुरंत बता देता हूं बिजनेस कनेक्शन में क्या है। बिजनेस कनेक्शन, बिजनेस कनेक्शन में स्टूडेंट्स इसको इंक्लूसिव मैनर पर डिफाइन किया गया। इट इंक्लूड्स, इसमें एक चीज ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इसको ऐसे पढ़ेंगे आप लोग, एक अभी कर, मैं आपको क्लास में करा रहा हूं, एक आप होमवर्क कर लेना। इंक्लूड्स है इसके अंदर और इसके अंदर एक्सक्लूड्स है। क्या चीज एक्सक्लूड की गई है वो प्लीज आप इसको होमवर्क कर लेना। आसान है लेकिन ध्यान रखना, बहुत सारे इसमें वर्ड जो होगा ना उसमें वर्ड पे मैं आपको बता रहा हूं, जो होमवर्क होगा इसमें आप लोग को मैं बता रहा हूं एक चीज इस कॉन्टेक्स्ट में, प्लीज नोट द वर्ड। कौन से वर्ड को आपको नोट करना है? कन्फाइंड टू, बस आपको बता रहा हूं एक चीज, कन्फाइंड टू, इस पे बस ध्यान रखना आप। जब भी बिजनेस कनेक्शन में क्या चीज एक्सक्लूड की गई है उसमें ये जो वर्ड कन्फाइंड टू जो लिखा है उसको बस आप पकड़ के चलना। अब लोग ये कन्फाइंड टू का कुछ एग्जांपल बताओ, मैं एक एक ही चीज आपको बता रहा हूं। एक नॉन रेसिडेंट क्या करता है इंडिया में, उसकी एक्टिविटी क्या है? इट इज कन्फाइंड टू परचेज ऑफ गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट आउटसाइड इंडिया। तो उसका इंडिया में बताओ क्या है, परचेज ऑफ गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट आउटसाइड इंडिया। तो अगर उसका यही एक्टिविटी से क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है, परचेज ऑफ गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट आउटसाइड इंडिया, तो बताएं स्टूडेंट्स ऐसे पर्टिकुलर केस में क्या हम लोग कहेंगे? ये बोलेंगे कि द बेनिफिट ऑफ द एक्सक्लूजन विल बी गिवन टू दैट नॉन रेसिडेंट। तो लेकिन उसका एक्टिविटी कन्फाइन होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ द परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट के लिए करने के लिए वो परचेज इंडिया में कर रहा है, ठीक है? तो ये होगा स्टूडेंट्स क्या होगा, एक्सक्लूजन का भागीदारी इसको मिलेगी और कोई भी इनकम उस नॉन रेसिडेंट का इंडिया में टैक्स नहीं होगा। लेकिन क्वेश्चन में आपको नजर बना के चलनी पड़ेगी कि परचेज के अलावा और भी कोई अगर बिजनेस फंक्शन वो नॉन रेसिडेंट अगर कर रहा है, जैसे कि अगर मान के चलो परचेज के अलावा और एक वो अकॉर्डिंगली कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल स्टोरेज भी इंडिया में कर रहा है, परचेज प्लस स्टोरेज
ये दोनों एक्टिविटी वो कर रहा है, तो अगर परचेज प्लस स्टोरेज अगर ये दोनों ही एक्टिविटी अगर वो इंडिया में कर रहा है, तो फिर बताइए स्टूडेंट्स ऐसे केस में क्या वो एक्सक्लूजन का बेनिफिट उसके मिले उसे मिलेगा? एन आंसर इज नो, फिर वो उसको बेनिफिट ऑफ एक्सक्लूजन नहीं मिलेगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ठीक है? तो ये कन्फाइंड वर्ड थोड़ा सा क्रिटिकल है, ये ऐसे और भी जगह पे आपको मिलेंगे, तो जब आप करोगे तो आप लोग देख लेना। अभी स्टूडेंट्स मैं आपको ये 911 का ये करवा देता हूँ, अभी ये कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद ब्रेक के बाद बैलेंस पोर्शन हम लोग करेंगे। ब्रेक हम लोग ले लेंगे लंच ब्रेक का, और उसके बाद हम लोग बैलेंस पोर्शन, क्योंकि इसके बाद रॉयल्टीज, इंटरेस्ट, FTS, ये सब क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, डबल टैक्सेशन ये सब आ जाएंगे। इक्वलाइजेशन ले भी वैसे तो बहुत आसान है, मैं उसको ओरली बता दूंगा, लेकिन इसके बाद वाला जो हिस्सा है वो उसमें ये सारे पॉइंट्स हम लोग कंसिडर करने वाले हैं, NDTAA, ठीक है? इंक्लूड्स में आ जाओ जल्दी से, और प्लीज आज के लिए जैसे क्लास कंप्लीट हो जाए ना, और कल की क्लास जो कंप्लीट हो जाए, अब 12 तारीख हो गया, 12 मई, 15 को वैसे ही मैं रिलीज आउट करने वाला हूँ MTP के सारे सॉल्यूशंस अपने चैनल पे। आप प्लीज हो सके ये क्वेश्चन पेपर एक बार देख लेना, बहुत टिपिकल क्वेश्चंस मैंने बना के रखे हैं आप लोगों के लिए, तो वो भी एक बात है, बहुत टिपिकल क्वेश्चन। तो क्लास प्लस MTP, उससे आपका काफी रोबोस्ट प्रिपरेशन हो जाएगा, कोई आपको हिला नहीं पाएगा चाहे किस लेवल का पेपर भी हो जाए। अब फ्रेंड्स यहाँ पे नोटिस करना, इंक्लूड्स में बिजनेस कनेक्शन में जो इंक्लूड्स है इसके अंदर क्या क्या है, एक चीज है, दो चीज है, एक है आपका डिपेंडेंट एजेंट, डिपेंडेंट एजेंट ये है, और दूसरा है SEP, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस। अभी स्टूडेंट्स सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस ये अभी फिलहाल इसके अंदर कुछ रूल्स नोटिफाई करने अभी भी बाकी हैं, उन्होंने अभी तक वो पूरे के पूरे रूल्स को नोटिफाई नहीं किया है, तो इस वजह से SEP जुलाई के अटेम्प्ट में एज वेल एज नवंबर के अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इस पे पूछा नहीं जाएगा। मई 21 वाले बच्चों के लिए पोजीशन अलग हो जाएगी, लेकिन जुलाई और नवंबर पे कोई वैसे बस रीड करना, तो MCQ के लिए आप रीड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ SEP सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस, SEP का फुल फॉर्म क्या है, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंट रीड ओनली फॉर MCQ, बस MCQ के लिए, क्योंकि अभी भी रूल्स नोटिफाई करने हैं अबाउट द थ्रेशोल्ड ऑफ द नंबर ऑफ द यूजर्स इन इंडिया एंड द थ्रेशोल्ड ऑफ द वैल्यू ऑफ द बिजनेस फ्रॉम फ्रॉम इंडियन कस्टमर्स। तो ये थ्रेशोल्ड जब तक दिया नहीं जाएगा तब तक ये SEP रूल को लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन पोजीशन क्लियर है कि एक नॉन रेसिडेंट का बिजनेस कनेक्शन में बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया माना जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, डिपेंडेंट एजेंट, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ द सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ द नॉन रेसिडेंट, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ द नॉन रेसिडेंट। अब जैसे कि व्हाट डू यू मीन बाय डिपेंडेंट एजेंट, तो पहले इसको देख लेते हैं, डिपेंडेंट एजेंट का मतलब क्या है, लेट्स हैव अ लुक टू दैट पर्टिकुलर पोजिशन। डिपेंडेंट एजेंट में स्टूडेंट्स एक आपका कोई बंदा एक्टिविटी देखिए क्या एक्टिविटी, इसको मैं ठीक से लिख देता हूं, एक्टिविटी मेनली और होली ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट, एक्टिविटी मेनली और होली ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट, वो कौन सी एक्टिविटी है, तीन एक्टिविटी, प्लेस प्रिंसिपल रोल, प्लेस प्रिंसिपल रोल लीडिंग टू द कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सेकेंड, प्लेस प्रिंसिपल रोल लीडिंग टू द कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा क्या है, हैबिचुअली
stores the goods, habitually stores the goods. For the purpose of its delivery as per the instruction of the non-resident or Akhri point. Secures the order for the non-resident. Secures the order for the non-resident. ये तीन पॉइंट है स्टूडेंट्स जो कि ध्यान रखना. पहले वाले पॉइंट पे थोड़ा सा खासा केयरफुल रहना. प्लेस प्रिंसिपल रोल लीडिंग टू द कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. ये चीज आ रही है. पहले क्या था, फाइनेंस एक्ट 2018 के अमेंडमेंट के पहले इस पे क्वेश्चन आया नहीं, इसलिए केयरफुल रहना, आ सकता है, पॉसिबल है. पहले क्या होता था कि अमेंडमेंट के पहले, अच्छा बाय द वे, ये तीनों में से कोई भी एक एक्टिविटी, ऐसा नहीं कि तीनों ही एक्टिविटी, जैसे कि ए बी वाई हम लोग देख रहे थे कि सारे के सारे चारों के चारों पॉइंट सेटिस्फाई होने चाहिए ए बी वाई के कंडीशन के लिए, तो ऐसा यहां पर नहीं देखा जा रहा. यहां पर आपको तीनों में से कोई भी एक आपको सेटिस्फाई कर देना. तो जो पहला पॉइंट है वहां पे बिफोर FA 18, FA 18 के अमेंडमेंट के पहले पोजीशन स्टूडेंट्स ये हुआ करता था कि प्रोविजन क्या था कि द नॉन रेसिडेंट इफ इट प्लेस प्लेस व्हाट द प्रिंसिपल रोल, अगर नॉन रेसिडेंट क्या प्ले करता है प्रिंसिपल रोल लीडिंग टू द कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. सॉरी बिफोर FA 18 प्रोविजन ये था, इफ द नॉन रेसिडेंट हैबिचुअली इफ द नॉन रेसिडेंट कंक्लूड्स द कॉन्ट्रैक्ट, हैबिचुअली कंक्लूड्स द कॉन्ट्रैक्ट, पहले ये हुआ करता था प्रोविजन कि अगर नॉन रेसिडेंट क्या है हैबिचुअली कॉन्ट्रैक्ट को कंक्लूड करता है, मतलब खुद से ही वो क्या करेगा पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट को कंक्लूड करता है, एग्रीमेंट साइन करेगा अपने, मतलब कि वो एग्रीमेंट साइन करता है, नेगोशिएट करता है, सब चीज एजेंट ही करता है. तो अगर उस टाइप की भूमिका अगर एजेंट निभाता है तो फिर जाके हम मानेंगे कि वो उस नॉन रेसिडेंट का उस एजेंट के थ्रू से क्या बनता है, बिजनेस कनेक्शन बनता है इन इंडिया. अब वो पोजीशन को उन्होंने क्या किया है, अमेंडमेंट करवा दिए. अब उन्होंने क्या देखा कि भाई अगर भले ही वो एजेंट उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्चुअली कंक्लूड ना करे, भले ही वो एजेंट उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्चुअली कंक्लूड ना करे, लेकिन अगर वो एजेंट क्या है प्रिंसिपल रोल प्ले कर रहा है, अगर वो एजेंट प्रिंसिपल रोल प्ले कर रहा है लीडिंग टू द कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो भी काफी हो जाएगा फॉर द नॉन रेसिडेंट टू एस्टैब्लिश अ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, फॉर दैट नॉन रेसिडेंट टू एस्टैब्लिश अ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया. तो ये नहीं देखा जाएगा कि वो एजेंट एक्चुअली क्या कर रहा है, ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को कंक्लूड कर रहा है. दैट इज इररिलेवेंट पॉइंट. व्हाट इज नाउ टू बी लुक्ड अपॉन इज whether this particular agent plays a principal role, भले ही वो खुद एक्चुअली जाके कंक्लूड ना करे, पूरा टर्म्स वो निर्धारित करता है, प्राइसिंग कस्टमर से वो निर्धारित करता है, लेकिन एग्रीमेंट के समय पे वो बोल देगा नॉन रेसिडेंट को कि आप एग्रीमेंट अब बुक कर लो, मैंने बाकी सब पूरा ग्राउंड वर्क तैयार कर लिया है, अब बस आप औपचारिकता है, फॉर्मेलिटीज है, वो आप पूरा कर ले. तो अगर ऐसा भूमिका अगर वो एजेंट निभाता है तो क्या ऐसे केस में भी क्या उस नॉन रेसिडेंट का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा? एंड द आंसर इज यस. और इस वजह से वो जो इनकम आई है वो इनकम को हम मानेंगे एज एन इनकम विच इज डीम टू अक्रू राइज इन इंडिया, एज एन इनकम विच इज डीम टू अक्रू राइज इन इंडिया. सो दिस इज हाउ इट हैज टू बी कंसिडर्ड स्टूडेंट्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट. तो ये पर्टिकुलर पॉइंट है इस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके. सो प्लेस प्रिंसिपल रोल लीडिंग टू द कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. अशोका, होपफुली आपको पहला पॉइंट अब समझ में आ गया कि एग्जैक्टली क्या गेम खेली गई है इस बिजनेस कनेक्शन के एंगल से. ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपका बिजनेस कनेक्शन वाला पॉइंट है, तो मैंने ये कंप्लीट करवा दिया है. उसके बाद स्टूडेंट्स ये होपफुली आप लोगों ने ये समझ लिया होगा. इसके बाद आप सभी लोगों को नाइन वन टू क्या लिखूं मैं, 912 में मैं लिखता हूं स्टूडेंट्स यहां पे
इन 912 आई एम राइटिंग हियर सैलरी डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया इफ द सर्विसेस आर रेंडर्ड इन इंडिया, अगर सर्विसेज को इंडिया में दी गई हैं, इफ द सर्विसेज आर रेंडर्ड इन इंडिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ब्रेक के बाद अब हम लोग क्या कर लेंगे, वी विल देन नाउ डू इंटरेस्ट रॉयल्टी एफटीएस, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो 918 का जो अमेंडमेंट है वो भी इसको हम लोग इस यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, 918 का जो अमेंडमेंट होगा उससे भी हम लोग कंसिडर करके फिर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, ये ब्रेक के बाद वाली कार्रवाई ये होगी। सो स्टूडेंट सी यू देन इन दिस रिगार्ड आफ्टर द ब्रेक, मिलते हैं हम लोग ब्रेक के बाद। अब ब्रेक आप लोग 1 घंटे का ले लीजिएगा, लंच करके आप लोग फिर रेडी हो जाइएगा, 2:30 को आप लोग हाजिर हो जाना, ठीक है ना, 2:30 को आप लोग हाजिर हो जाइएगा। तो तब तक मैं फिर ये क्लोज कर देता हूँ, आप लोग को और एक लिंक दे दी जाएंगी, और एक लिंक आप सभी लोगों को मिल जाएगा, फाइन, 2:30 को। चलिए आर्या, आप कहाँ थे आर्या, पहला कमेंट और आपका ऐसा कमेंट, अब क्या करे, जिंदगी कितनी भी बेरहम क्यों ना हो जाए जीना तो पड़ता ही है, अब दाढ़ी है तो ऐसे ही, हुलिया है तो है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स 2:30 को मिलते हैं। केस स्टडी 2 ऑन स्क्रीन, कृष्णा ये तो मैं बंद कर दूंगा ना, लेकिन फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत के तुरंत, अगर केस स्टडी 2 का मैं आपको ये दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना चालू कीजिए। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, डिविडेंड पीयूष 914 में आएगा, अब वो क्योंकि डिविडेंड बाय डिफॉल्ट क्या एग्जेम्प्ट है, तो इस वजह से उसकी रेलेवेंस कम हो जाती है, मई 21 के लिए लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा डिविडेंड वाला पॉइंट। इसको आंसर का भी ले लो जल्दी से, जल्दी जल्दी ये पकड़ते रहना। ठीक है, हो गया कृष्णा, अच्छा आंसर तो आपने लिख लिया था, क्वेश्चन ही चाहिए था ना आप लोगों को। चलिए फ्रेंड्स मैं बंद कर रहा हूं अभी, मिलते हैं 2:30 बजे फिर। 2:30 बजे क्या होगा, मेरी डॉटर बहुत नॉक कर रही है, एक्चुअली हो गया क्या कि झगड़ा हो गया है, छोटी वाली मेरी डॉटर थी, ऐसी ट्विंस है, उनको कल मैंने ले लिया, वाले दिखा कि देखो तुम टीवी पे आयो, मेरी बड़ी वाली जो डॉटर है जिसका 1 मिनट का डिफरेंस है, वो नाराज बैठी चल रही है कि मुझे अल्टीमेटली क्यों नहीं आपने दिखाया, तो आज लाना पड़ेगा, बहुत बोलते ना कि धर्म संकट में पड़ चुका हूँ, तो थोड़ा सा मुझे अल्टीमेटली उसको भी लाना पड़ेगा टीवी पे, तो मैं लेकर आऊँगा 2:30 बजे, तब तक लंच के बाद, तब तक आप लोग भी आते रहेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अभी खटखट चल रहा है उनका कि आंदोलन हो रहा है यहाँ पे इन लोग का। सी यू देन स्टूडेंट्स, बंद कर रहा हूँ अभी मैं, 2:30 को मिलेंगे।